मीनू चितलांगिया जी, यस आपका स्वागत है। आप और वंदना शाह, आपका स्वागत है। आप जितने लोग यहाँ हैं, आप सबका स्वागत है दोस्तों। 1.5 घंटे तक के सफर में मैं आज ये आपको गारंटी करता हूं कि आज वीडियो बनाने का मेजर पार्ट आप सीख के जाएंगे। सोनिया शाह, बहुत बढ़िया। सोनिया शाह जी कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन आपके सेशन से हैं, प्लीज जस्ट लिख कर बताएं। बहुत सारे लोगों ने लिख के बताया है और मैं अब सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2 मिनट में सत्या अपने टूल्स एंड टेकल्स टूल पास है तैयार करें और आप जल्दी से प्रकट हों हमारे बहुत सारे और लगभग सारे, मतलब सारे सारे के सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। सत्या, आर यू इन द रूम? सोनिया शाह सी इज अ टीचर एंड मुंबई से है। आपका स्वागत है। भविष्य निर्माण, भविष्य निर्माता, शिक्षक इस देश के निर्माता हैं, रियली भविष्य के निर्माता। और सत्या मेरे सामने प्रकट हो चुके हैं। सत्या आपका स्वागत है और मैं ये चाहूंगा आज हमारी इस सभा को सुमन सिंगल जी ने हैंड रेज किया है। सुमन सिंगल जी प्लीज लिख के बता देंगे तो मैं बड़ी खुशी होगी। यस आप लिख के बता दें और फिर जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम बीच बीच में आपको अनम्यूट करते रहेंगे ऊपर जाके और बहुत मेहनत कुछ सुरक्षा कारणों से हम आपको अनम्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ एक और ही है। लगा देना इससे पहले हम अनम्यूट करते थे दोस्तों, बट कुछ मुझे लगा हुआ सिक्योरिटी है रीजंस हैं जहाँ पे जिनकी जहाँ वजह बैठे से हो हम। वहाँ बड़ा बल्ब लगा उसको वो एक लगा एक और लगा देना उसको सत्या, योर वॉइस इज विजिबल हियर। आज ये जो क्लास है वो क्लास फर्स्ट नहीं है, रादर ये इस टॉपिक पर आपको जो पब्लिक वेबिनार है हमारा, वो हमारा ये जो फर्स्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, रादर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑन गोइंग है, चल रहे हैं, बट फ्री में ये टॉपिक हम आज दे रहे हैं तो इसलिए आपको बहुत ही यस गुड इवनिंग डॉक्टर सुमन, और आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप कई दिनों में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वापस आए हैं। सत्या, नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस टू यू। सत्या ने अपनी गाड़ी सीधी कर ली है और अब वो फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। यस सत्या, नमस्कार अमरू सर। नमस्कार। हम इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे प्लीज। यस यस रिकॉर्डिंग पे है, कुछ आज नेट का थोड़ा इशू है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं सत्या, तो ओके मे आई टेक अ लीव नाउ? थैंक यस सर, यस सर, यू। कम बैक एट 10 सर। ओके से ओन। ओके सो फ्रेंड्स, आज का सेशन है इज रिगार्डिंग यूट्यूब एंड वीडियो मास्टरी एंड मेक श्योर। आज मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा। ये आपने पूरा स्टूडियो खोल के रखा है एंड इट टेक्स लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है स्टूडियो खोलने में। आप देख पाएंगे 10 मिनट पूरा सेटअप लगा के रखा है मैंने, अगर आप देख पाए तो सिस्टम पूरे लगा के रखे हैं पूरे, आप देख पाएंगे। तो फर्स्ट पहला सेशन हमारा रहेगा कि भाई आपको वीडियो मार्केटिंग क्यों करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यूट्यूब एंड देन वी विल मूव ऑन टू वॉट आर टूल्स वी रिक्वायर एंड वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। एक आपको वीडियो एडिट करके अभी दिखाऊंगा अभी मैं, और मैं आपको बताऊँ, आई एम नॉट ए वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट। मैं वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने शौक के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ। भाई भाई प्रोफेशन आई एम नॉट ए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, बट मुझे पसंद है। मुझे बचपन से ही सर इट इज़ ऑन द रिकॉर्डिंग सर, ये रिकॉर्डिंग पे है और ऑटो रिकॉर्ड है, जैसे स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। तो बचपन से फोटो सीखने खींचने का शौक था। छोटे छोटे से जो मोबाइल आते थे नोकिया के 2 मेगापिक्सल के, उनसे फोटो खींचता था, तो वो इनबिल्ट थोड़ा सा एक इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसको रखो, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो आज की जो तो सेशन होगा दैट विल बी रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वीडियो मार्केटिंग इज नीडेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, द रोल ऑफ यूट्यूब इन वीडियो मार्केटिंग। एंड थर्ड वन विल बी वट टूल्स यू रिक्वायर टू मेक ए गुड वीडियो। यू विल सरप्राइज टू नो दैट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द वीडियो मार्केटिंग। आपको यूट्यूब के वीडियोज के लिए, स्पेशली यूट्यूब के वीडियोज के लिए आपको बहुत पैसा नहीं खर्च करना। बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम दाम में आप अपना स्टूडियो सेटअप कर सकते हो। इतना आसान है सेटअप करना, ठीक है? तो कितने लोग रेडी हैं सेशन के लिए? टाइप यस इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके ओके चलिए, यस प्लीज टाइप इन यस इन कॉमेंट सेक्शन। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग रेडी हैं और आज तो सेशन स्टार्ट हो रही, हमारे 50 के आसपास क्राउड आ चुकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी मार्केटिंग में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज वीडियो मार्केटिंग।
वो है वीडियो मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चाहे आप प्लीज मैं आप सब क्वेश्चन के जवाब दूंगा इस सेशन के लगभग 9:45 के बाद, आफ्टर 9:45, उससे पहले आप सवाल अपने लिख के रखिए। यस सर, ये रिकॉर्डिंग पे है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे सेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पहला सवाल है कि आप सब लोग यहाँ अलग अलग प्रोफेशन के हैं, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने हैं जो वीडियो की एडिटिंग प्लस टूल्स के बारे में जानने आ रहे आए हैं, बस वो वीडियो एडिटिंग के टूल्स के बारे में जानने आए हैं, भाई वीडियो एडिटिंग में क्या इस्तेमाल होता है, कैसे करते हैं। टाइप डबल वी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से भी आए हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। सर ईमेल मार्केटिंग की क्लास अलग से स्टार्ट होगी, जो लोकमान से स्टार्ट कर रहे हैं 9 बजे, ठीक है। अगर इफ यू आर पेड मेंबर, अर्णव गुप्ता जी, ये एक फ्री सेशन है सर, चलिए। हाँ ओके, कितने लोग हैं जो यूट्यूब के लिए आए हैं, टाइप डबल वाई इन द कमेंट सेक्शन, टाइप डबल वाई इन द कमेंट सेक्शन यूट्यूब के लिए। ओके अर्णव जी, फॉर पेड मेंबर आपके पेड ग्रुप में एड उसका आ चुका है सर, एड आपका लिंक जा चुका है आपके ईमेल मार्केटिंग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी आपके मार्केटिंग में, दैट इज वीडियो मार्केटिंग, अब वीडियो कैसे बनाना है, कितना खर्चा करना है, ये सबसे बड़ा हेडेक होती है। ये सुनो कि बड़ा टफ बनता होगा, बड़ी प्रोफेशनलिज्म चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार वीडियो बनाने के लिए बड़ा पैसा लगता होगा, वीडियो एडिटिंग में बड़ा मतलब बड़ी तोप चीज होगी या बड़ा मुश्किल से वीडियो एडिटिंग होता होगा, यस और नो मोस्टली, और खासकर उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, एनिमेशन डालने हैं, तो हम सोचते हैं भाई हमारे बस के नहीं, क्योंकि हमें ये आभास किया जाता है कि ये टफ है, क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया। देखिए जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं ना, आपको पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगेगा, यही मेरे साथ था। फैन कम कर दो। तो यही मेरे साथ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब स्टार्ट किया था अपने वीडियोज का, यूट्यूब वीडियोज बनाना, तो एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी सपोर्ट, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, कोई टेक सपोर्ट नहीं था, और मैंने यूट्यूब के वीडियोस देख के अच्छा ये इक्विपमेंट लेना है, ये यहाँ लेना है, मैंने अलग अलग स्टार्ट किया था। बट यू वोंट बिलीव, फिर जब मैं वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट के पास गया, मैं यार मेरे वीडियो एडिट कर दो, तो उसने पर वीडियो के मुझसे 500 रुपये मांगे थे, जो लगभग 6 से 7 मिनट का था। मैंने कहा यार 500 रुपये तो ज़्यादा ले रहे हो, मैंने कहा मुझे क्या सिखा सकते हो क्या नहीं, मैं तुम्हें वीडियो के क्रैक दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उससे वीडियो के क्रैक ली। यू वोंट बिलीव, विद इन सेवन डेज हार्डली 1 आवर a day मैंने वीडियो की एडिटिंग करनी सीख ली, और उसी 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 श्रृंखला में मैंने मिस्टर लोकमान को वीडियो एडिटिंग सिखाई। यू वोंट बिलीव, लोकमान सर HR हेड थे और उनके पास टेक्निकल जानकारी कुछ भी नहीं थी, उन्हें वीडियो एडिटिंग का वे भी नहीं पता था। उन्होंने ही हम दोनों ने वीडियो शूट किया, और उनका एक वीडियो है यूट्यूब में, आप यकीन नहीं करोगे, ये वीडियो उस इंसान ने बनाया है जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, ना ही डिजिटल मार्केटिंग की, ना ही यूट्यूब की, कुछ भी नहीं, मतलब टोटली मैं कहूँ शून्य से शुरुआत की उन्होंने। और आप में से कितने लोग उनका वीडियो देखना चाहेंगे, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, ये मैंने अपने चैनल पे डाला है, अगर आप जाओ, और अपनी कैटेगरी में 3rd रैंक कर रहे भी है, टाइप इन द कमेंट सेक्शन देखना चाहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार, अगर आप जाएंगे लीजिए, ये 3rd कैटेगरी में रैंक कर रहा है, इट हैज स्कोर्स मोर देन 20,000 व्यूज, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वीडियो मैं आपको सच बताऊं ना, ये वीडियो एडिट भी इस बंदे ने किया है, ठीक है, और ये शूट भी मैंने किया है। हाँ इसकी शूटिंग में समय लगा था मेरा, बट लुक एट दिस द इफेक्ट ऑफ वीडियो। मैं इसमें म्यूट कर रहा हूँ इसको, आपको थोड़ी देर आप आवाज सुनिए इसको, मैं 2x की स्पीड चला रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप देख पाए। जस्ट वॉच 1 मिनट, 1 मिनट आप देखिए, बस कंटेंट देखिए, क्वालिटी देखिए, और ये तब की बात है जब मैंने शुरुआत की थी, आप तब की बात है, आप इसको देखिए, तब तक मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। इसके बाद मैं कुछ ना कुछ सवाल पूछूंगा आपसे इस वीडियो में से, क्या कंटेंट बताया, कैसा एनिमेशन लगा। जस्ट ये अलग प्रकार के आसनों को मैंने डबल स्पीड करके किया जाता है, और इसके जो चमत्कारिक लाभ है वो जीवन के 3 स्तरों पर काम करते हैं। अब ये जीवन के 3 स्तर क्या है और ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहला जीवन का हमारा स्तर है ये शरीर, और शरीर को स्वस्थ रखना, फिट रखना हमारा पहला कर्तव्य है। हम सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो कैसे सूर्य नमस्कार हमारी काया को निरोगी रखने में हमारी मदद करता है कि जब हम सूर्य नमस्कार के योगाभ्यास के दौरान आसन करते हैं, तो उन आसनों में हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं, जोड़ लचीले बनते हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, गर्दन मजबूत बनती है। इसके अलावा
जब हम नीचे झुकते हैं और वापस खड़े होते हैं तो पेट पर दबाव बनता है और पेट पर बार बार दबाव पड़ने से पेट अंदर सिकुड़ता है और खुलता है। इससे पाचन तंत्र में उपस्थित अपचा भोजन पचने लगता है और निरंतर योगाभ्यास से अपच और कब्ज जैसी बीमारियां धीरे धीरे शरीर से खत्म होने लगती हैं। जिनका वजन ज्यादा है उनकी पेट के आसपास से चर्बी पिघलकर वजन कम होने लगता है और शरीर प्राकृतिक और सुंदर रूप में आने लगता है। तीसरा लाभ शरीर के लिए इसका यह है कि शरीर के अंदर जो वायु क्षेत्र उपस्थित है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें उपस्थित होती है। आप ये देखिए जो वीडियो एडिटिंग की है इन्होंने खुद वीडियो एडिटिंग किया है, वीडियो शूट मैंने किया था, एडिट उन्होंने किया था। अब आप देखिए मैंने 2x की स्पीड से इसलिए दिखाया आपको ताकि आप कम टाइम में कंटेंट को आप देख पाएं। तो दिस वीडियो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेंट से कि अपना वीडियो ऑफ रखें प्लीज। सूर्य नमस्कार के दौरान बार बार सांस लेने से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें बाहर निकालकर शरीर के वायु क्षेत्र की सफाई करती है। चौथा लाभ यह है कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है हृदय की गति बढ़ती है, हृदय से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन हृदय के कोशिका कोशिका तक पहुंचने लगती है और हृदय मजबूत होता है। उसके साथ अब मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ी सी, आप देखिए शरीर है जिसे हम ऊर्जा शरीर कहते हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव होता है? वो ये है कि हमारी नाभि के पीछे एक मणिपुर चक्र नाम का ऊर्जा केंद्र होता है और उस ऊर्जा केंद्र से 72,000 नाड़ियां शरीर की जुड़ी होती है। ऊर्जा नाड़ियों में ऊर्जाएं और अंतःप्रज्ञा भी इसी केंद्र पर उपस्थित रहती है तो ये केंद्र मजबूत होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, जस्ट आई एम वन क्वेश्चन, क्या ये वीडियो आपको मजेदार लगा? आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट बट द एनिमेशन यू हैव सीन, the animation you have seen, it is beautiful or not? ठीक है, okay. अब मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो उस व्यक्ति ने एडिट किया है, you won't believe, मैं अपना नाम नहीं ले रहा, कि जिसको वीडियो एडिटिंग का अभी भी नहीं पता था, ठीक है? तो पहली बात आप मन से निकाल दें कि वीडियो एडिटिंग इज टफ, वीडियो एडिटिंग टफ है, बहुत आसान है और ये इतनी आसान है कि अगर आप एक घंटा डेली 10 दिन तक दें आप ऐसे वीडियो खुद एडिट कर सकते हैं। यू वुड बिलीव देयर लॉट ऑफ वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट दे टास वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। अगर आप 5 मिनट की ऐसी एडिटिंग के लिए जाएंगे कम से कम 1,000 रुपए से कोई कम नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा लगा था सर को वीडियो एडिट करने में इस 5 मिनट का और हमने 1 दिन लगाया था वीडियो शूट करने का। तो मेक श्योर जब भी आप वीडियो बनाएं, देखिए जब भी आप वीडियो बनाएं तो ये मत सोचें सर वीडियो एडिटिंग टफ है, नहीं टफ नहीं, बहुत इजी। मेरे पास उसमें पैसे ही नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहा कौन पैसे खर्च करेगा। आपको पता है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आपके लिए 1 रुपया मैटर करता है, एम्प्लॉयज की सैलरी भी निकालनी है, ये करना वो करना, तो एट दैट टाइम आई डोंट हैव मनी। तो मैंने खुद सीखा, जब खुद सीखा तो मैं कहा ये तो बड़ा आसान है, खुद भी सीखा सर को भी सिखाया, तो ये बहुत आसान है। पहली बात अपने मन से निकाल दीजिए कि इट इज टफ, क्लियर? इट इज नॉट टफ इफ यू आर लिटिल बिट टेक सेवी। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है, ठीक है, तो साहब ये तो आपके लिए हलवा है। तो मैं जनता जनार्दन से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि लगभग 9:06 हो गए, तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करें वीडियो मार्केटिंग तो वीडियो सर्च इंजन सबसे बड़ा कौन सा है वर्ल्ड में? वीडियो सर्च इंजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, व्हिच इज द वीडियो वर्ल्ड बेस्ट वीडियो सर्च इंजन, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करें। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन कौन सा है? ओके, वीडियो सर्च इंजन सर, वीडियो सर्च इंजन, ओके सभी लोग प्लीज सभी लोग टाइप करें। ओह डेफिनेटली इट इज यूट्यूब, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो सर्च इंजन। तो जब आप यूट्यूब चैनल बनाना है, अच्छा कितने लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक यूट्यूब चैनल? ओके आई श्रीनिवास जी, व्हाट इज, ओके प्लीज जो लोग बनाना चाहते हैं टाइप मी इन द कॉमेंट सेक्शन, जो बनाना चाहते हैं अपना यूट्यूब चैनल। ओके ओके अच्छा कितनों का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, कितनों का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है? अजय जडेजा जी नमस्कार, कितनों का यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी? और जिन यूट्यूब चैनल पे कम से कम 10 वीडियोस हैं, अगर 10 वीडियो है तब तो यूट्यूब चैनल है, नहीं तो मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल नहीं है। एटलीस्ट यू मस्ट हैव 10 वीडियोस, 10 वीडियो है आपके पास तब। ओके तो जब भी आप YouTube बना रहे हैं चैनल बनाए, मैं कुछ सावधानियों का आपको जिक्र कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए YouTube में जब आप कदम रखें।
मैं ये नहीं बताऊंगा कि चैनलिंग क्या होता है, एसईओ क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, टैग्स कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम समय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप यूट्यूब में आए, आज के यूट्यूब में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 3 साल पहले अगर आप देखें तो टॉपिक डालिए तो आपको हिंदी की वीडियोस कम मिलते थे, बट नाउ आप देखिए डालिए तो आपको लोकल लैंग्वेज वीडियोस मिल जाएंगे, इतना कंपटीशन हो गया। तो यूट्यूब में जिस कैटेगरी को आप मेंशन कर रहे हैं, अगर आप टेक कैटेगरी में जा रहे हैं, नॉन टेक कैटेगरी में जा रहे हैं, मेक श्योर आपके पास एक कैटेगरी होनी चाहिए जहाँ आप टारगेट कर सको, जहाँ आप टारगेट कर सको, और वो कैटेगरी एक होनी चाहिए या दूसरी उसको कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। मीन्स जिस कैटेगरी में आपका यूट्यूब चैनल है, मेक श्योर, लोग गलती करते हैं, अगर आप किचन अगर आप रसोई पे आप पाकशास्त्र पे बना रहे हैं, अगर कुकिंग पे बना रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल, तो मेक श्योर आपके वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए। आप मेरी बात समझिएगा, ये अक्सर यूट्यूबर गलती कर रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से फिर वो डाइवर्ज हो जाते हैं। तो आप अगर डाइवर्ज हो भी तो आपका कंटेंट जो है, आपका टॉपिक है, इट शुड बी रिलेटेबल। अगर आप कुकिंग से करते हो तो सात्विक कुकिंग कर दीजिए, सात्विक कुकिंग वाला डाल दो, कुकिंग विदाउट आप मसाले का वीडियो डाल दो, आपको इससे रिलेटेड कंटेंट डालना होगा। इट इज क्लियर और नॉट? अगर ये क्लियर है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि YouTube में ना सर आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, और आज के लोग क्या देखते हैं, दे लुक फॉर स्पेसिफिक। मैं दोबारा बताता हूँ, दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक। आप यही नहीं करना जैसे आप चार चीजें करके रायता फैला दो, नहीं। मेक श्योर जब भी आप स्टार्ट करें आपका टॉपिक एक हो, वो एक ही टॉपिक रहे या दूसरा टॉपिक आप करो तो प्लीज उससे रिलेटेबल हो। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो, स्टिक टू द ट्रैवल ब्लॉग, वहां से आप ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में कर सकते हो, ट्रैवल के कुछ कुछ तरीके और बताता है, वीजा रूल के बारे में बता सकते हो, पर मेक श्योर स्टिक टू द कोर टॉपिक। ये यूट्यूब के आगे आप यूट्यूब इस चीज को बहुत मॉनिटर कर रहा है, एंड दे आर प्रमोटिंग दोज चैनल विच आर स्पेसिफिक टू द पार्टिकुलर टॉपिक। ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, आप स्टार्ट करें और फिर आप बात से भटक जाएं, प्लीज मेक श्योर। अच्छा, कितने लोग हैं, नए युवा हैं, दोज हु वांट टू हैव ए करियर इन यूट्यूब, जिनको यूट्यूबर को देखते हैं, भुवन बम हो या किसी को देखते हैं कि यार इसके जैसे बनना है, कितने लोग करियर चाहते हैं यूट्यूब में, दे वांट टू हैव ए करियर इन यूट्यूब, टाइप डबल सी इन द कमेंट सेक्शन, और अपने साथ अपनी एज भी लिखें, आप कितने साल के हो प्लीज। मैं कुछ बहुत ही बेहद गंभीर विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग चाहते हैं एज ए करियर, डबल सी लिखें, प्लीज मेंशन योर एज, प्लीज मेंशन योर एज, यस डबल सी के बाद एग्जैक्ट एज करें, ओके। जो करियर चाहते हैं यूट्यूब में सभी लोग, ओके। अगर आप यूट्यूब में करियर चाहते हैं, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर ये है, कम से कम 4 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 years, जहां आपको नई कुछ इनकम होगी। आप समझिएगा, 2 साल तक तो कुछ भी इनकम नहीं होगी आपकी, तीसरे साल थोड़ी सी इनकम होने स्टार्ट होगी। तो मेक श्योर अगर आप यूट्यूब में करियर चाहते हो तो पहले आप ऑलरेडी जॉब में हो तब ऑप्ट करना। मेक श्योर जॉब, मतलब आप जॉब कर रहे हो, 4 साल आपके पास घर चलाने के लिए प्रॉपर साधन हो। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं अभी करियर काउंसलिंग के स्कूल में गया था, तो प्रिंसिपल ने पूछा सर यूट्यूब में करियर कैसा है। मैंने कहा सर घर से बैकएंड से सपोर्ट हो, पिताजी अच्छे कमाते हो, तब जाके 4 साल आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, तब भी फ्यूचर है नहीं, ये डिपेंड में ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यूट्यूब में जब वीडियोज बनाते हो व्यूज एकदम नहीं आते, इट टेक्स टाइम, और इतना पेशेंस किसी में नहीं है। आप समझिए, इतना पेशेंस किसी में नहीं है, चाहे आप टेक्निकल गुरुजी लो, चाहे आप भुवन बम लो, दे ऑल वाज वर्किंग, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और काम के साथ साथ वीडियोस बना रहे थे। आप समझिएगा, काम के साथ साथ वीडियोस बना रहे थे, काम छोड़ के वीडियो ना बनाए, ध्यान रखना, नहीं तो जैसे आप जैसे उल्टे मुंह गिरना, आप सब समझ जाइए, इट इज वेरी टफ, ठीक है, ये बहुत टफ है। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, प्लीज आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, कमाना चालू रखेंगे और पार्ट टाइम ही करेंगे, टाइप प्रॉमिस इन द सेक्शन, जिन्होंने डबल सी लिखा है। क्योंकि यूट्यूब बहुत सारा पैसा खर्च करता है उन क्रिएटर को जिनको जबरदस्त पैसा मिला है, और उसकी चमक देख के, अरे क्या इतना कमा रहे हैं, और वो लोग आ जाते हैं। आप समझिए मेरी बात, आप इतना चमक देख के वो आ जाते हैं, और आपको पता नहीं है यूट्यूब आज है कल नहीं है, 10 साल बाद कौन सा सर्च इंजन टॉप पे होगा, यू डोंट नो। आप समझिएगा, इसलिए बहुत जरूरी है मेक इट पार्ट टाइम, जब तक आपके 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं करते, एटलीस्ट 5 लाख। इतना क्लियर है? जिन्होंने डबल सी लिखा था
प्लीज राइट 5 लाख इन द कमेंट सेक्शन। इसी के बाद आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना प्लीज, मेक श्योर। अच्छा, यूट्यूब से कमाई कितनी होती, ऐसे कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ मच यूट्यूबर अर्न्स, कितने लोगों को पता करना है, यस मुझे पता करना है कितने कमाई होती है यूट्यूबर्स की, एग्जैक्ट कमाई क्या क्या साधन होते हैं। देखिए यूट्यूब में कमाई बहुत कम होती है, 1000 व्यूज पे हार्डली उनको 30 रुपये मिलते हैं, 30 रुपया। अब ये डिपेंड करता है कि यूट्यूब की कौन सी कैटेगरी है, अगर टेक कैटेगरी है, टेक्निकल कैटेगरी है, एटलीस्ट नंबर ऑफ व्यूज पे आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो एड आते हैं या टेक्निकल एड, आप समझिएगा। तो यूट्यूबर जो 5 लाख प्लस से जाते हैं उनकी कमाई ज्यादा यूट्यूब के एड से नहीं होती, एडसन से कमाई नहीं होती, उनकी कमाई किससे होती है, सर यू डिक्शनरी ले लो, समझ रहे हो, ये आप वीडियो के स्टार्ट में प्रमोट करते हैं कि चीज को, आपने देखा होगा किसी ने किसी वीडियो में 5-6 सेकंड के लिए किसी ऐप को, किसी पोर्टल को दे प्रमोट, उस प्रमोशन के पैसे से उनकी धंधा, उनका घर चलता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। जितने भी यूट्यूबर हैं, दोस हुआ मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, उनका ज्यादातर धंधा जो अर्निंग अब आ रही है वो आ रही है अफिलियट्स इनकम से, या दूसरों का एड प्रमोट करने से, यूट्यूब से ऐसे इनकम बहुत कम आ रही है, आप समझिए इस बात को। थर्ड जो कैटेगरी है जो बहुत कम यूट्यूबर देखते हैं, शुड हैव ओन प्रोडक्ट और ओन सर्विस। ये कैटेगरी आपके पास है तब आप 1 लाख सब्सक्राइबर में भी 50-60 हजार रुपए महीने कमा सकते हो। ये थर्ड कैटेगरी मींस आपका यूट्यूब चैनल है, आपका कंटेंट है और आप ही का प्रोडक्ट या सर्विस है बेचने के लिए, क्लियर, इतना समझ पा रहे हो। उस कंडीशन में यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर अर्निंग। जैसे आशीष शाह है, आशीष शाह जी प्लीज अपना रेज हैंड करना, प्लीज आशीष शाह जी प्लीज अपना रेज हैंड करना, आशीष शाह जी, ओके, नमस्कारम सर, ओके आशीष जी, या मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अच्छा बोलिए सर। हाँ मैं कुछ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा आप, बिल्कुल सर। देखिए हाँ, जैसे सर एक ट्रेनर है और अक्सर आप लोग को विवेक बिंद्रा को सब लोग जानते होंगे, ठीक है, और विवेक बिंद्रा को इसलिए नहीं जानते वो अच्छे ट्रेनर है, आप समझिएगा, आप इसलिए जानते हो क्योंकि आपने उनके बहुत सारे वीडियो देखे, ठीक है। तो अगर विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग में ही चार्ज मोर देन 55,000 फॉर 4 डेज वर्कशॉप, आप यकीन नहीं करोगे 55,000 लेते हैं 4 दिन के फिजिकल वर्कशॉप में। तो अगर सर आपसे एक छोटा सवाल है कि आप भी ट्रेनिंग में हैं, ठीक है, और आप भी ट्रेनिंग में, सपोज अभी मैंने एक वीडियो दिखाया लोकमान सर का 20,000 व्यूज का, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लगे और वीडियो के एंड में कहें कि सर मैंने ये ऑनलाइन कोर्स बना के रखा है जिसपे मैं लाइव पढ़ाऊंगा, या ये मेरी किताब है जो आप किताब आप ले लो, तो विल यू परचेज और नॉट, अगर आपको 5 दिन का भी, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कितने व्यूज होंगे, ओनली 20,000, आप समझिएगा 20,000 व्यूज है, पर 1,000 पे कितने रुपए मिलते हैं स्टूडेंट, हार्डली 30-40 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 400, 800 रुपए नेट अर्निंग हुई है उस हार्डली 20,000 व्यूज के, आप समझ रहे हो, उसमें से भी लगभग आधी के आसपास यूट्यूब ले जाएगा, टोटल क्या हुआ 400 रुपए। पर अगर आपने उसमें एडसेंस एक्टिवेट नहीं किया है, आप समझिएगा, आप स्टूडेंट्स, आप सब लोग, आप स्टूडेंट में सभी लोग हैं जो ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, इफ यू हैव ओन बुक, अगर आपकी कोई किताब है, 20,000 व्यूज में से मैं ज्यादा नहीं, मैं देख रहा हूँ केवल 10 लोग परचेज करते हैं वो आपकी किताब, जो लगभग 300 रुपए की एक किताब है, तो साहब आपको कितने मिले, 3,500। अगर आप सेल्फ पब्लिश करते हो उस बुक को, सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ कोई पब्लिशर लाइन पे नहीं होता, आप अपनी किताब का रेट खुद डिसाइड करते हो, अपना MRP खुद डिसाइड करो, एक एक किताब आप ट्राई कर सकते हो, एक एक किताब, तो आपको अर्निंग उसमें ज्यादा हुई कि यूट्यूब के व्यूज से ज्यादा हुई, मैं सब कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सर से सवाल करूंगा। सर मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ, प्लीज आप समझिएगा इस चीज को कि यूट्यूब में करियर बनाने से पहले यू मस्ट हैव योर ओन प्रोडक्ट, यू मस्ट हैव ओन योर सर्विस,
प्लीज। अब आशीष शादी, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप YouTube पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहेंगे तो अपना कोर आप टॉपिक बताएं और उससे रिलेटेड 4 सब कोर टॉपिक बताएं प्लीज। बिल्कुल सर, जैसे आपका क्वेश्चन था वो पहले मैं वो आंसर भी दे दूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से YouTube चैनल चाहिए, अपनी खुद की प्रोडक्ट चाहिए, अपनी खुद की कोई बुक चाहिए, जैसे आपका एक कोर्स है हाउ टू बिकम ऑथर इन 7 डेज, या अपनी कुछ लिंक भी चाहिए, वहां से अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब मेरी जो कोर प्रोडक्ट है हाउ टू प्रिपेयर विल यानी वसीयतनामा जिसको बोलते हैं। वसीयतनामा का मतलब है कि आपकी जो इनहेरिटेंस किसके जाएगी, उसमें एक और जो मेरा आता है एस्टेट प्लानिंग, दूसरा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा आता है वेल्थ प्लानिंग और फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो मेरा मेन टॉपिक होगा विल, हाउ टू प्रिपेयर अ विल, उसमें ये 4 सब डिवीजन मैं बना रहा हूँ। और सत्या सर और लोकमान सर के हिसाब से, उनकी गाइडेंस से ही मैं ये कोर्स अभी लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस महीने के एंड में मेरा ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर, आपने जो टॉपिक बताया, मैं आप ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि जो सर ने टॉपिक बताया है इज इट रिलेटेबल, ये जहां आप एक टॉपिक दूसरे को रिलेट कर पा रहा है। सब फाइनेंस के टॉपिक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मर्ज कर रहा है, एक दूसरे को मर्ज कर रहा है। आप समझिए मेरी बात सो। तो जब आप स्टार्ट करें तो आपके टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना सर, स्वेटर बुनते हैं, कहीं ना हर धागा कनेक्ट होता है, इट शुड बी कनेक्टेड। पर आप अपने कोर पे टिके रहे, आप समझिएगा आप कोर पे टिके रहे, ये सबसे बड़ा टेक अवे इस वेबिनार से है। क्योंकि मैंने कोई PPT नहीं बनाई इसके लिए खास, मैं जानता था कि टॉपिक ऐसा है, जितना मैं अपना फंक्शनल नॉलेज दूं वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि आपका कोर इज द मेन एस्पेक्ट, आपका कोर, ठीक है, आपका कोर है, वही कोर ही बोलेगा। कोर बोलने के साथ साथ यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट। और सबसे सस्ता प्रोडक्ट क्या है बनाना बताओ, सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाना क्या बताइए प्लीज, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाना क्या, इट इज वीडियो कोर्स, इट इज बुक, इट इज फिजिकल प्रोडक्ट, व्हाट इज द चीपेस्ट प्रोडक्ट, चीपेस्ट सर्विस, यस ई बुक, फर्स्ट वन, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, ई बुक, उसके बाद बताइए प्लीज। सबसे सस्ता प्रोडक्ट बताओ, सबसे सस्ता, जो सबसे सस्ता, यस मोनिका, कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, मीन एनीथिंग, एनी सर्विस विच यू कैन सेल, जो आप बेच सकते हो। सबसे सस्ता क्या है, यस ऑनलाइन कोर्स, बुक, रुक, सभी लोग लिखे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, तो कौन कौन बताता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, ये तो है ही सब, इसके साथ और बताइए, दिमाग को दौड़ाइए आप प्लीज, प्लीज लिखिए लिखिए, और क्या क्या हो सकता है, ईबुक हो गया, मेंटरिंग, यस, अब देखो एक अलग सा है मेंटरिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग, वाओ बहुत अच्छा, दिमाग को दौड़ाइए क्या क्या और हो सकता है, क्लासरूम कोर्स, वाओ वाओ प्लीज, और काउंसलिंग, यस, नेक्स्ट वन योगा कोर्स, में तो कोर्स में आ गया सर, ओके प्लीज, नेक्स्ट वन देखता हूँ नेक्स्ट कौन बोलता है, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज लिखिए 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 लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए, राइट डाउन द चैट सेक्शन, आप लिखेंगे तभी मजा आएगा, यस। आपने क्या किया, अगर आप यकीन नहीं करोगे, अगर कोई अपने कोर्स बना लिया, यू वोंट बिलीव, कोई भी कोर्स, स्पेशली ऑनलाइन कोर्स, आप लाखों कमा सकते हैं उससे, लाखों। अच्छा सर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, इट इज ईजी और टफ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताइए, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना टफ है कि इजी है, इजी है ना। आखिर मैं कहूँ पावर पॉइंट पे अगर आप कोर्स बना दो जिसमें आप 25 से 30 लाख रुपए साल के कमा सको घर बैठे, कितने लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ द पावर ऑफ वीडियो, वीडियो कितनी पावर है, कितने लोग जानना चाहते हैं, तो ये सीधे कमेंट सेक्शन, वो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, ये माफी चाहूंगा आप सबसे, ये सारा वीडियो बिना तो लंबा जाएगा, तो खाने की थाली आप साथ में लगा के रखना ताकि साथ साथ खाते जाना ये। ओके आपने उडमी खोला, उडमी एक इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो चीपेस्ट कोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग 21 घंटे का कोर्स 6,500 रुपए 500 मिल जाता है। अब मैंने डाल दिया पावर पॉइंट
पावर पॉइंट, यस सर, पावर पॉइंट मैंने डाला, ये लीजिए 16 में डाला। अब आप देखिएगा, लोगों ने इतने कोर्स बना के रखे हैं, लुक एट दिस, 10 घंटे का कोर्स है, 82,000 स्टूडेंट ने परचेज किया है, 42,000, आप समझ रहे हो। अब 42,000 को जरा 350 से मल्टीप्लाई कीजिए, जरा एक बार कितना निकलता है आप चैट सेक्शन में लिखिए, 42,926 को मल्टीप्लाई कीजिए 360, कितना पैसा बना प्लीज टाइप करें, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 करोड़। वाह, अच्छा चलो, ये थोड़ा टेक टॉपिक है कि सत्य, ये तो थोड़ा टेक टॉपिक है, 10 घंटे का कोर्स कौन बनाए, हमारा तो रात दिन पसीने निकल आएंगे। ओके चलिए, फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे पेरेंटिंग बनाना है, 3.5 घंटे कोर्स बनाता हूँ, सब 3.5 घंटे पास, 3.5 घंटे ज्यादा नहीं, लुक एट दिस, 44,000 स्टूडेंट परचेज्ड, 44,000, अब समझ पा रहे हैं, 44,000। अब मैं आपसे ये एक सवाल छोटा पूछता हूँ, छोटा सवाल, और हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे कि जब 1.5 करोड़ लोग, और ये प्लेटफॉर्म ज्यादा पुराने नहीं है, 3-4 साल पुराने हैं, अच्छे खासे चले, स्टार्टिंग में 4-5 साल तो उनको स्ट्रगलिंग फेस था उनका, 1.5 करोड़ आप रुपए कमा पाए एक कोर्स के, सब जो लाइफ में लोग कमा नहीं पाए, इट इज वर्थ और नॉट, क्या ये स्किल आपको सीखनी चाहिए? आप समझ पा रहे हैं, दुनिया इस कदर जा रही है, इतना, हाँ यस, देखिए ये इतनी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो चुकी है कि इफ यू हैव प्रोडक्ट यू कैन सेल, इफ यू हैव सर्विस यू कैन सेल। चलो ये भी टफ है साहब, हमारे तो घर वाली जो मेरी वाइफ है उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसे खाना है मस्त बनाती वो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बाहर कुछ भी नहीं खाता, ना समोसा ना डोसा ना कुछ भी नहीं, सब घर पे बनाती हूँ, इतना मस्त बनाती है, मैं कायल हूँ उस चीज का। अब मुझे कुकिंग चाहिए, इंडियन, अब देखिए कुछ भी बेच सकते हो, इंडियन कुकिंग, वाओ, इंडियन कुकिंग है, लुक एट दिस, लीजिए साहब, 4 घंटे कोर्स है, अब देखो 6,000 लोगों ने ले चुका है, तब भी क्या लाखों रुपए नहीं, अच्छा 6,000 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 रुपए, 400 कर दिए सीधी सर, 6,700 मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए सर कितना हुआ, तो मैं, यस मोनिका जी ने लिखा, यूट्यूब इज प्रोवाइडिंग स्टिफ कंपटीशन। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, दाम कितने है, 350 रुपए, पर 350 रुपए में यू आर गेटिंग स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, आप समझ रहे हो, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आपके पास, आप 350 रुपए में आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिल रही है जो YouTube में बिखरी हुई है, जो 4 घंटे की वीडियोस के वीडियोस, आपने पता कौन सा एक्सपर्ट हो है कि नहीं है, क्या करेगा, मैंने डाला कि मुझे पेरेंटिंग एक्सपर्ट चाहिए, तो पेरेंटिंग का एक्सपर्ट आपको 350 मिल रहा है। अगर आपको चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में पता है, जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बारे में पता है, प्रेगनेंसी में योगा क्या करना है, न्यूट्रिशन, आप प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन आप सर्च कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, इतना कस्टमाइज यूट्यूब नहीं, यूट्यूब में जो मन करता है वो कचरा डाल देता है। लुक एट दिस, 3.5 घंटे का केवल प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिनकी घरवाली होने वाली है, जिनकी वाइफ होने वाली है, और जिनकी शादी होने वाली है, जिनके बच्चा है, आप अब YouTube प्रेफर करोगे कि ये 3.5 घंटे का 350 रुपए का कोर्स, अगर 350 रुपए का कोर्स परचेज करोगे तो टाइप यू इन द डबल यू इन द कमेंट सेक्शन, अभी को YouTube पे जाएगा टाइप डबल वाई इन द कमेंट सेक्शन, यहीं से फर्क पड़ता है, जो उडमी पे जाएंगे टाइप डबल यू, और जो यूट्यूब पे जाएंगे टाइप डबल वाई। अब देखिए, रुपए कम है, You are counting on the numbers. यही सबसे बड़ा खेल है, कि जहां आज के टाइम में लोगों के पास पैसा है पर टाइम नहीं है, कस्टमाइज टाइम नहीं है, तो वहां आपके ऑनलाइन कोर्स मदद करते हैं। ऑनलाइन कोर्स सिद्धार्थ राजशेखर 15,000 रुपए का एक कोर्स बेचता है, जो मिनिमम 4 घंटे, सॉरी 5,000 का, जो 4-5 घंटे का होता है, फिर 15,000, फिर 45,000,
लोग ऐसे कोर्स बेच रहे हैं, ये तो सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म मैंने बताया। आप महंगे पे जाओगे टीचेबल पे साहब, लोग हजारों रुपए के कोर्स बेच रहे हैं, हजारों रुपए के, और लोगों ने तब उर्मी को छोड़ना चालू कर दिया कि भाई साहब इसमें अच्छा कोर्स ढूंढने में समय लगता है। एडुकेटर आर लीविंग दिस प्लेटफॉर्म वाई बिकॉज आधा पैसा उर्मी रख लेता है, जब आपके लिंक से परचेस करोगे देन यू विल गेट 97%। तो आप ये समझिए कि इतना बड़ा आपके पास गोल्ड माइन है, ये सोने की खान है, पर खान में से सोना निकालना एक कला है, इट इज ए आर्ट। कितना गिरी करते हैं कि आपको गोल्ड माइन में छोड़ दूंगा, पर अगर सोना निकालना नहीं आता तो गोल्ड माइन ही आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगी। कितना गिरी करते हैं, टाइप डबल इन द कमेंट सेक्शन, कि सोना निकालने की कला आनी चाहिए, सोने की खान भी आपके काम नहीं आएगी। अब देखिए इतना सबको समझ, अच्छा कितने लोग इसमें ट्रेनर टीचर या कोचेस हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ट्रेनर टीचर कोचेस हो तो टाइप ट्रिपल टी इन द कमेंट सेक्शन, ट्रिपल टी लिख दीजिए, तीन बार टी लिख दीजिए, ट्रेनर है, कोचेस है, टीचर्स हैं प्लीज, ताकि मुझे जनरली पता लगेगी कि आप कहाँ कहाँ से हैं, क्या है, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ओके ओके। चलिए कितने लोग इसमें स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट हैं टाइप ट्रिपल एस, सभी लोग प्लीज टाइप करें, सभी लोग प्लीज टाइप करें, सभी से रिक्वेस्ट है, ओके। तो ये आप सेशन, तो ये चीज ध्यान रखें आप कि आपका ऑनलाइन कोर्स, आपका ऑनलाइन कोर्स है जो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ाएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा। तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो, यहाँ आप ऐसे भी जो हैं डॉक्टर्स हैं, अच्छा कितने लोग इस ग्रुप में डॉक्टर हैं, टाइप डबल डी इन द कमेंट सेक्शन, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दोज हुआ डॉक्टर्स, एक दो को तो मैं जानता हूँ आते रहते हैं, बट अभी जो जितने हैं इस वेबिनार में, डॉक्टर पिंगले हैं, डॉक्टर पिंगले कार्डिक सर्जन है, डॉक्टर रुखसाना है और डॉक्टर सुमन भी है शायद इस वेबिनार में, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ सभी से, सब जनता जनार्दन से, डॉक्टर पिंगले कार्डिक सर्जन है और इन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया कि हाउ टू रिवर्स हार्ट डिसीज विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, ये इसमें एक्सपर्ट भी है। तो आप देखिए अगर वो कोर्स में 4000 का ही बेचूंगा ना, देखिए 4000 का, जनता जनार्दन लेगी, क्यों, ये नॉलेज अवेलेबल नहीं ऑनलाइन, अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अगर ये उसका ऑनलाइन कोर्स भी करना है, यू वोंट बिलीव, लॉट ऑफ ऑडियंस विल कम, बहुत सारी ऑडियंस आएगी इसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पोटेंशियल को समझें, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन सबसे फायदा क्या है, वी आर काउंटिंग ऑन द नंबर्स, अब हम नंबर्स पे खेल सकते हैं। जो सेटअप आपको फिजिकल सेटअप बनाने में आपका सर्टन टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, वही सेटअप आप ऑनलाइन बनाए, वो आप ऑनलाइन बनाए, उसको आप फैलाएं साहब, उसको फैलाएं। आप यकीन नहीं करोगे अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है ऑनलाइन, क्योंकि आपके सामने दुनिया आपके सामने। अच्छा मैं आप दूसरा सवाल पूछूंगा, आप बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और ट्रेनर्स मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ट्रेनिंग होती थी, दे लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, अक्सर मैं देखा, और मेरा ठीक उल्टा, मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, इतनी अच्छी नहीं आती, और उसका फायदा ये हुआ है कि मेरी ऑडियंस अंग्रेजी वालों से ज्यादा बढ़ रही है। आप समझिए किस बात को, क्योंकि मैंने बात पहले ही समझ ली थी कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, देखिए हिंदी का कंटेंट, हिंदी का रीच अंग्रेजी से 100 गुना बड़ा है। कैसे, 130 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं, हो सकता है 10 करोड़ बढ़ चुके हैं जो गवर्नमेंट के डेटा में ना हो, 100 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदी समझते हैं, आप समझिएगा हिंदी समझते हैं, 20-25 पाकिस्तानी वो हिंदी समझते हैं, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट हिंदी समझता है, बांग्लादेश समझता है, नेपाल समझता है, आप समझिए इतना बड़ा हिंदी बेल्ट है। हिंदी की अगर ऑडियंस देखोगे, इट इज मोर देन 180 करोड़, 180 करोड़ से ज्यादा अगर वर्ल्ड वाइड आप काउंट कर लो, आप समझिएगा इस बात को, वर्ल्ड वाइड आप काउंट कर लो। तो अगर आप पहला कोर्स हिंदी में डिजाइन करते हैं, कंटेंट को हिंदी में रखते हैं, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी रीच बढ़ेगी। इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब आप ट्रेनिंग सेक्शन में आए हो, ट्राई टू मेक योर ऑनलाइन कोर्स इन हिंदी और इन योर मदर टंग। हमारा एक राज्य एक देश के बराबर है साहब, हमारा एक राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, एक राज्य देश के बराबर है सर। आप उस राज्य पे फोकस करें, देन यू विल गेट लॉट ऑफ ऑडियंस। एक तो आपको ऑडियंस मिलेगी,
एंड योर प्रोडक्ट विल सेल। कितने लोग एग्री करते हैं इसमें, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन डालोगे भी इंग्लिश में ऑलरेडी कंपटीशन है, अगर उर्दू में भी देखोगे देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, आपका वीडियो रैंक करने में, कोर्स रैंक करने में टाइम लगेगा। बट अगर आपका कोर्स हिंदी में है, यू वोंट बिलीव, विद इन 6 मंथ यू विल स्टार्ट अर्निंग, आप पैसा कमाना सीख जाएंगे। और ये छोटी सी बात, ये छोटी सी बात लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कंटेंट स्पेशली डिजाइनिंग में आए। हाँ, जब कंटेंट डिजाइनिंग में आए तो प्लीज मेक श्योर आप पहले मदर टंग को आगे रखें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट है, पहली चीज। यूट्यूब में दूसरा रहता है कि लोग अक्सर में सवाल पूछते हैं, सत्या तुम तो यूट्यूब एक्सपर्ट हो, अच्छा सब्सक्राइब बढ़ाने कितने पैसे लोगे, और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाओगे। तो मार्केट जो रेट चल रहा है मैं बताऊंगा आपको, 10,000 सब्सक्राइब कराने में लोग 5 से लेके 20,000 रुपए लेते हैं, 5 से लेके 20,000 चार्ज करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए। बट अगर वो मैं कहूँ प्लीज वो नेवर डू, ये मत कीजिए, वो आपके किसी काम का नहीं, और ना मैं वो करता हूँ अब, आप समझिएगा। क्यों नहीं करना आपको, क्या घाटे हैं उसके, सबसे पहले ये बता दूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बताते नहीं है, जो बताते नहीं है, सबसे पहले कोई भी आपका अप्रोच करे कि भाई मैं आपके व्यूज बढ़ा दूंगा, मैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा, प्लीज डोंट बिलीव। वो आपके सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, व्यूज बढ़ा सकता है, पर नंबर ऑफ वॉचिंग ऑल्स नहीं बढ़ा सकता, बट ही कांट इंक्रीज द ऑडियंस रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ एनीबडी अप्रोच टू यू, ही सेड सर आई कैन इंक्रीज योर सब्सक्राइबर, आई कैन इंक्रीज योर व्यूज, प्लीज डोंट बिलीव दैट पर्सन। वाई? बिकॉज इंक्रीजिंग द सब्सक्राइबर्स, बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ SEO, one is black hat SEO, dark gray hat SEO and white hat SEO. SEO means search engine optimization. Search engine optimization means all the search engine, whether it is video search engine or online search engine, these are such of engines. Suppose your YouTube is a search engine, it is a video search engine, and your YouTube, your Google is a bigger search engine. So these search engine works on optimization. The search is optimized. Search engine optimization, it is a search, is a big search, then engine, then optimization. So these all search engine are built with optimization. So these all work with a pattern of SEO. So if you do, if you contact any person, or angrezi mein chala gaya, sorry, agar aap kisi aise person se contact karoge jo kahe main ye badha dunga, to please never do, kyunki unka search engine hai, this search engine have artificial intelligence, they can track each and every moment. अगर आप ऐसा करोगे, वेदर इट इज वेबसाइट, आपकी वेबसाइट बैन हो जाएगी सर्च इंजन से। यूट्यूब में करोगे, यूट्यूब ब्लैकलिस्ट कर देगा आपको, यूट्यूब आप ब्लैकलिस्ट नहीं भी करेगा, आपके व्यूज बढ़ा देगा, सब्सक्राइब बढ़ा देगा, बट इट विल नॉट इंक्रीज योर वॉच टाइम। ठीक है, अब वॉच टाइम क्या होता है ये बता रहा हूं मैं आपको, 21 चीज को देखना है। और यूट्यूब में देर इज नो SEO एट ऑल, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई भी कहे मैं आपका यूट्यूब का SEO कर दूंगा, टैग करा दूंगा, मैं टैग करूंगा, प्लीज ही इज लाइंग। कोई बड़ा यूट्यूबर बोले ही इज लाइंग एट ऑल, क्योंकि आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना फास्ट हो चुका है AI, इट वर्क्स ओनली ऑन ऑडियंस रिटेंशन, विच इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन द SEO। अब ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है मैं बता रहा हूं मैं आपको, देखिए यूट्यूब पूरा मैं आपको 1.5 घंटे में नहीं, 2 घंटे बता सकता, पर जो कोर चीज है जहां कोई आपको ठगे नहीं वो मैं बता रहा हूं मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाएंगे किसी भी यूट्यूब पे, मैं अपना चैनल खोलता हूं, ओके ये है वीडियो, ठीक है। अब मैं जाता हूं अपने डैशबोर्ड में, लुक एट दिस जस्ट अ मिनट, ये वीडियोस यूट्यूब स्टूडियो, ये है मेरा डैशबोर्ड जो YouTube का दिखता है। यहाँ मैं गया और यहाँ मैंने वो वीडियो खोल रखा है जो मैंने आपको दिखाया था, मेरे वीडियोस बहुत लेंथी होती हैं, 1.5-2 घंटे के वीडियो होते हैं। अगर ये वीडियो आप देखिए,
इसमें केवल मैंने टाइटल लिखा है, देर इज नो डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप किसी यूट्यूबर के पास जाओगे जो बोलते हैं सर टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, फलाना लिखो, ठिमकाना लिखो, नहीं, आपका टाइटल ही इनफ है इफ यू हैव क्वालिटी कंटेंट, अगर आपके कंटेंट में दम है तो। आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, आप में थंबनेल मैंने नहीं डाला, ऑटो जनरेटेड है, ठीक है, टैग्स भी मैंने बिल्कुल नहीं डाले, आप समझिए देयर इज नो टैग्स, देखिए टैग्स भी नहीं है, ना टैग है ना डिस्क्रिप्शन है, ओनली आई हैव टाइटल। तो आप समझिए इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, कुछ भी नहीं डाला। और आप वीडियो के, आप इसकी एनालिटिक्स देखिए, लुक एट दिस, तो आप देखिए वॉच टाइम बढ़ता जा रहा है इसका, यहाँ से वॉच टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देखिए ऑडियंस रिटेंशन बहुत जबरदस्त है, 2.51% लोगों ने, एवरेज जो रेशियो है 2:54 है। अगर आप जाएंगे और ऑडियंस का एंगेजमेंट बहुत जबरदस्त है इसमें, एंगेजमेंट यहाँ जा रहा है आपका। ऑडियंस कहाँ कहाँ से, ये देखो ये भी बता देगा, किसने देखा है, कितने नर ने देखा है, कितनी मादा ने देखा है, सब बता देगा आपको साहब। यूट्यूब का एल्गोरिथम सब कुछ बता देता है आपको, सब कुछ, फीमेल्स ने कितने देखा, किस एज ग्रुप ने आपको देखा। अब इस एल्गोरिथम से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका वीडियो का ऑडियंस क्या है, अच्छा ऑडियंस की एज क्या है, आई वोंट बिलीव आपका कंट्री क्या है, लोग कंट्री भी देख पा रहे हो आप। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो किस डिवाइस से लॉग इन किया उन्होंने, आप ये भी देख पाओगे किस डिवाइस, पूरा ट्रैक आपके सामने आ जाएगा, पूरा का पूरा ट्रैक, क्या किसने कितना कितने देखा, कितनी ऑडियंस रिटेंशन, पूरी जनरी आएगी। तो आप जब ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को ट्रैक करते तो आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे कि भाई मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या है, समझ रहे हो, उसकी रीच क्या है, ठीक है, किस एज ग्रुप का है, क्या जेंडर है, सब कुछ, अच्छा लाइक डिसलाइक सब कुछ आपको पता लग जाएगा ए टू जेड। तो ये एनालिटिक्स आपको बहुत हेल्प करती है अपने ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को समझने के लिए। टाइप ऑफ सोर्स कहाँ से आ रहा, देखिए यूट्यूब सर्च से आ रहा है, एसएसटी वीडियो से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, क्लिक करूंगा एक्सटर्नल सोर्स पे, कहा था व्हाट्सअप 75% ट्रैफिक आ रहा है, देखिए नहीं करोगे। टोटल सर्च जो आ रही है 1.1% में 75 आपकी व्हाट्सअप से आ रही है। नीचे आप देखिए, लुक एट दिस, नीचे आप जाइए हेल्थ, देखिए ये जो आप देखिए आप देख पा रहे हैं ये पूरा अल्गोरिथम किसी एक वीडियो का है, मैंने केवल एक पे फोकस किया, एक पे बिल्कुल तो समय नहीं मिला ज्यादा कंटेंट बनाने का, और फोकस एक ही किया कि मेरे वीडियो में कंटेंट में दम होनी चाहिए, मेरे वीडियो के कंटेंट में दम होनी चाहिए जो ऑडियंस को रिटेन कर सके। यही यूट्यूब का आगे का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो कोई भी हैकर, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कोई भी सब्सक्राइब बढ़ाने वाला एक्सपर्ट, कोई भी व्यूज बढ़ाने वाला एक्सपर्ट जो नहीं तोड़ सकता, जो नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि दे कांट मेक गुड कंटेंट। आप समझ पा रहे हैं भाई, आपके कंटेंट के ओनर आप हो, आप कंटेंट के जानकार हो आप हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही चीज करनी है, फोकस 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 ओनली ऑन द कंटेंट। कंटेंट इज द न्यू किंग इन द यूट्यूब इंडस्ट्री, यूट्यूब में एक अलग औरत में कंटेंट इज न्यू किंग, नाउ यूट्यूब इज फोकसिंग ओनली ऑन द कंटेंट, देर इज नो रूम फॉर एसईओ एट ऑल, नो रूम फॉर मेटा टैग, नो रूम फॉर डिस्क्रिप्शन। कितने लोगों ने देख पाया, हो सकता कुछ कुछ लोगों को यूट्यूब की ऑलरेडी नॉलेज हो, कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप डबल इन द कॉमेंट सेक्शन। आपके सामने प्रूफ दिखा दिया मैंने, आपके सामने प्रूफ खोल के दिखाया है, कोई भी ऐसा बोले तो आप प्लीज बोल सकते हैं कि इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज रैंकिंग योर वीडियो, इट इज नॉट द एसईओ, नथिंग सर, क्योंकि YouTube देख रहा है कौन उसके वीडियो को देख पा रहा है। आप समझिएगा, मेरे पास दो वीडियो, सपोज वीडियो वन वीडियो टू, सपोज ये वीडियो है ये 5 मिनट का है, ये वीडियो 5 मिनट का है, इसको 10,000 लोग देखते हैं, 10,000 लोग देखते हैं, पर एवरेज वॉच टाइम 1 मिनट से भी कम है, इसको 1,000 देखते हैं, पर वॉच टाइम इसका ट्रिपल है, तो यूट्यूब क्या करेगा, रैंक करेगा, अच्छा इस वीडियो से मुझे ज्यादा फायदा होगा, उसको बढ़ाएगा, भले से पैसे कम आए हैं, वो क्या करेगा, स्टूडेंट टाइप है, दोनों स्टूडेंट है, पर एक स्टूडेंट जल्दी पढ़ रहा है, धीरे से पढ़ रहा है और लगातार कंटिन्यूस है, पर एक ऑलरेडी पढ़ चुका है, मार्क्स आ रखे हैं, बट ही है पोटेंशियल, टू होम विल यू प्रमोट, ब्लैक और व्हाइट, डब्ल्यू अगर आप ब्लैक से सम्मत है तो ब्लैक लिखिए, अगर व्हाइट से सम्मत है तो व्हाइट लिखिए, ब्लैक फॉर बी लिख दीजिए और व्हाइट फॉर डब्ल्यू रख दीजिए प्लीज। आप समझिएगा, ये छोटा सा प्रिंसिपल लोग समझ नहीं पाते कि कंटेंट इज किंग।
आपका कंटेंट ही आपकी जान है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ाना ना ही उसके व्यूज बढ़ाना अब सर कोई काम नहीं आएगा। आप बढ़वा भी लेंगे बट इट विल नॉट रिमेन स्टैटिक, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आप समझिएगा मेरी बात, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो मेक श्योर वेन एवर यू मेक कंटेंट यू मस्ट मेक क्वालिटी कंटेंट, ये सबसे बड़ा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। मस्ट मेक क्वालिटी कंटेंट सो दैट सब्सक्राइबर यू कैन गेट सब्सक्राइबर एंड सेकेंडली हैव ए सर्विस, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हो। अब अच्छा यूट्यूब चैनल कितना कमाते हैं आप देखना चाहते हो, कितना कमाते हैं यूट्यूब चैनल, ठीक है इसके बाद हम स्टूडियो पे आएंगे कैसे कैसे स्टूडियो बनाते हैं, कितना अर्निंग होती है यूट्यूब चैनल की, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यूट्यूबर्स अर्न, टाइप अगर अर्निंग देखना चाहते हो टाइप डबल इन द कमेंट सेक्शन, टाइप डबल ई, बहुत ही आसान है और ये पब्लिकली अवेलेबल है जो वो खुद नहीं बताते कभी। ओके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लिख रहे हैं, यस टाइप डबल ई इन द कमेंट सेक्शन डबल ई। ओके आप अपने फेमस यूट्यूबर का नाम बताइए। देखिए नारायण जी ये डिपेंड करता है आपके एफिलिएट सेल प्रोडक्ट पर, ये जो एड का सेक्शन है स्पेशली जो गूगल एड्स आते हैं वो केवल इसकी अर्निंग बताएगा, इट विल नॉट टेल अबाउट एफिलिएट्स और इट विल नॉट मेंशन एनी सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके अब देखिए आपको डालना सोशल ब्रेड और आपने अब किसी यूट्यूबर का नाम बताओ जो आपके फेमस हो, किसी यूट्यूबर का नाम बताइए जो फेमस हो, जिसका चैनल नेम बताइए, चैनल नेम बताइए प्लीज सभी लोग। ओके मैं टाइप कर रहा हूँ, सबका नाम विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं लोग, चिटीज विवेक बिंद्रा। ओके लुक एट दिस, ये आपके आ गया 484 वीडियोस हैं, ठीक है लुक एट दिस, ये आप कितनी अर्निंग आप देखिए, अर्निंग जो इनकी हो रही है ईयरली इट इज एस्टिमेटेड 68K टू 1.1 मिलियन। आप समझ पा रहे हैं इतने, आप तो सोच रहे यार इतनी अर्निंग आजू बाजू क्यों है, ये डिपेंड करती है किस लोकेशन से आपका वीडियो वॉच हुआ। अगर यही वीडियो वॉच किया जाएगा अमेरिका में 5 गुना ज्यादा कमाएगा, ठीक है आपका व्यू कहाँ से होता है, आपका टेक्निकल टॉपिक आपका जो चैनल है वो किस टॉपिक का है, ठीक है वीडियो की व्यूज कितनी कितने ऐड क्लिक हुए उन सब पे डिपेंड करता है। तो एक फार मिनिमम टू मैक्सिमम दिखा देता है, अगर इसके साथ देखिए पर डे का कितना अर्न कर रहे हैं ये भी दिखा देगा, आज कितना अर्न किया भी दिखा देगा आपको, लुक एट दिस पर डे की अर्निंग भी दिखा रहा है, पूरी अर्निंग दिखा रहा है आपको, एक एक अर्निंग दिखाएगा आपका, सब्सक्राइबर काउंट कितनी बढ़ेगी भी दिखाएगा। आप तो ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, किसी एजुकेशन चैनल का नाम देखिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, प्लीज उस चैनल का नाम बताइए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ओनली एजुकेशन नो मोटिवेशन स्पीकर एट ऑल। ओके जरूर मोनिका जी बताऊंगा हाउ टू चूज एंड सेलेक्ट टॉपिक विद हाई अर्निंग पोटेंशियल। ओके यस यस प्लीज नहीं ओके मैंने इसमें एक टॉपिक डाला जो एजुकेशन बता रहा हूँ, एजुकेशन अरविंद एकेडमी, एक अच्छा स्टडी आईक्यू भी डाला किसी ने, स्टडी आईक्यू खान एकेडमी, यस फ्रेशर वर्ड्स आल्सो, ये आपका लुक एट दिस। अब सर उडमी का नहीं मिलेगा आपको, उडमी खुद की कंपनी है, ठीक है आप देखिए लुक एट दिस दे हाउ देयर मच देयर अर्निंग 3.8 मिलियन, इतना कमा रहे हैं। आप सोचिए क्यों, इसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, इसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है। और आप एक चीज़ और लिखिए द थ्रोन स्टडी, डी आर ओ एन थ्रोन स्टडी है और थ्रोन स्टडी वाला भी ये लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लुक एट दिस डी कैटेगरी है। आप सोचते बड़ा कम कमा रहे होंगे, आप तो सोचा होगा बड़ा 8000 व्यू, बट ये चैनल किसी भी तौर से बड़े से भी ज्यादा कमा रहा है। अब कैसे कमा रहा है, जानबूझ के लिखा है। अब देखिए डी डी माइनस है, मैंने क्या बोला था जरूरी नहीं आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो, इफ यू हैव प्रोडक्ट यू कैन अर्न इन मिलियंस। अब देखिए ये ड्रोन स्टडी है, इसी के वेबसाइट में खोलता हूं, लुक एट दिस।
आप देखिएगा, आप समझिए पोटेंशियल समझिए आप। ये आई टी का बंदा है, इसने कोर्स रखे हैं अपने ऑनलाइन पॉपुलर कोर्स, मैं क्लास 10th खोलता हूँ, क्लास 10th असमिट कहाँ गया प्लगइन? अभी आएगा ये कोर्स है, आप समझ पा रहे हैं? ये छोटी क्लास के हैं, और यू वोंट बिलीव, इसकी आप वीडियो आप देख लो ना, इसके कायल हो जाओगे आप, इतना जबरदस्त वीडियो बनाता है ये, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है, बहुत ही अच्छे समझाता है, आप एक वीडियो देखो क्योंकि वाह कितना अच्छा, डोंट स्टडी, लुक एट दिस, लुक एट द क्वालिटी कंटेंट, लुक एट द ग्राफिक्स। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. तो शायद काफी कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक हम इस चैप्टर में, तो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी है वो यहां पे दी है, आपका वॉइस इज कमेंट सेक्शन, और उसका सलूशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वीडियो का वॉइस ऑडियो पे चलो, ऐसा आता है मैंने जानबूझ के 2x की स्पीड को चलाया है, मैंने इसको जानबूझ के 2x की स्पीड चलाया ताकि आप वीडियो कंटेंट देख पाए इसको, थर्ड था इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लेकिन और भी मेथड्स हैं जिससे आप इस पीयर का सलूशन निकाल सकते हो, वही बेसिकली हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक-एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसमें इतना बहुत बढ़िया पढ़ाता है, आप इसका वीडियो वॉच करने के बाद ऑलमोस्ट क्या होता है, आप देखिए कितने हजार व्यूज हो चुके हैं इस पे, ये तो 78 व्यूज है अभी, अगर आप पीछे जाएंगे लुक एट दिस, नया वीडियो डाला होगा शायद, आप ये देखिए बहुत सारे व्यूज हैं इस पे, जस्ट मिनट, लेस्ट ट्रैक हो गया, आप क्या लुक एट दिस, पूरी फुल लिस्ट, पूरे हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, देखिए इतने लाख व्यूज आ चुके हैं। अब मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, आगे इसका 0.1% भी लेना, 0.1% अब इसका 0.1% ही बहुत अमाउंट होगा इसके लिए, अगर 0.1% लोगों ने भी अगर इसका कोर्स खरीद लिया पेन ड्राइव का, लाखों रुपए कमा लेगा ये, लाखों रुपए। तो आप ध्यान रखना, यूट्यूब में अब अर्निंग जो होगी बड़े सेक्टर की, That will not be tech category. अब education category आए, क्योंकि education category में आप देखिए, study को क्या देखिए? Hey guys, welcome to study. और इस वीडियो में बात करने वाले हैं Delhi Cutrise पैसे। They are asking for subscription fees. आप देखिए, यहाँ आप जाएंगे, premium subscription fees आ रही है, जो 150 rupees per month चार्ज करते हैं। यहाँ दिखाई देगा आपको जस्ट मिनट। कितने लोगों ने देखा है कभी YouTube में टाइप करें एजुकेशन चैनल पे, वो 150 rupees पर मंथ मांगते हैं, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, स्टूडेंट को पता होगा, जितने लोग स्टूडेंट है, दे डिमांड 150 rupees पर मंथ, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। यस यस, आप इसी के चैनल के एक 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 बंदे से मिला था, एक वर्कशॉप में मैं, तो उन्होंने कहा सर लगभग 45-50 lakh rupees पर मंथ हमें उस सब्सक्रिप्शन फीस से मिलता है। आप कहिए आपके प्रीमियम चैनल पे जाइए, एजुकेशन चैनल पे, दे डिमांड 150 rupees पर मंथ, अगर आप जाएंगे नीचे आपका कई बार प्रीमियम फीस मांगते हैं। अब आईएएस की कैटेगरी है, आपको पता है आईएएस की फीस बहुत महंगी होती है, इसी में प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया, जो वो वीडियो केवल अच्छे लोग, मतलब जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं वही देख पाएंगे, 150 rupees पर मंथ लेता है। तो अभी जितने भी एडू स्टार्टअप हैं, वेदर इज बायजू, मेरिट नेशन, वेरिट वेदांतु, दे विल फेस ए कट थ्रोट कंपटीशन बाय यूट्यूब। आने वाले 5 साल के बाद हो सकता है बायजू इतना ना कमाए जितने यहाँ से एजुकेटर कमा ले। ओके, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और इस कोवर्ड ने तो हमारे टीचर्स को, बहुत सारे टीचर्स को वीडियो बनाने का एक्सपर्ट बना दिया है। अब मेन कंपटीशन आएगा, सबसे बड़ा कंपटीशन तो अब होगा, जब इन जो जो जितने भी एजुकेशन कंपनी जो लाखों रुपए चार्ज कर रही है महीने के, वो सब धराशायी हो जाएंगी आने वाले 5 सालों में, क्योंकि इतना कंपटीशन आएगा। और इंडिविजुअल टीचर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में ऐसे टीचर हैं जिनका बच्चे बड़े प्रीमियम कोचिंग को छोड़ के उनसे पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ने आते हैं। ठीक है, वो ना ही आपका वाजीराव रवि जाते हैं, ना ही बड़ी कोचिंग जाते हैं, नहीं, वो उस पार्टिकुलर टीचर को ढूंढने आते हैं, उससे पढ़ते हैं, आप समझ गए? तो आने वाला युग, आने वाला 5 साल के बाद यूट्यूब में क्या होगा, जो लोग एजुकेशनल फील्ड में हैं, दोस्त हुआ एजुकेटर,
दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू अर्न. तो आप एक प्रीमियम कैटेगरी बना दें, उसी में इस ऑप्शन आता है कि आप सब्सक्रिप्शन फीस डाल दें जो लगभग 150 रुपए शुरुआत होती है. अब 150 रुपए महीने के सब ज्यादा नहीं है. अच्छा, कितने लोगों को ज्यादा लगते हैं 150 रुपए, और कितने लोगों को 150 लगते हैं वेरी लेस अमाउंट? टाइप एल इन द कमेंट सेक्शन, टाइप एल इन द लेस, टाइप लेस इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप समझते बहुत कम अमाउंट है. अब ये कम अमाउंट में क्या होगा, दे विल काउंट ऑन द नंबर, दे विल काउंट ऑन द नंबर. आप ये चीज समझिएगा. तो ऑनलाइन में स्पेशली इन वीडियो मास्टरी, इन स्पेशली इन यूट्यूब, योर नंबर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपके नंबर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं. तो जितने भी ट्रेनर्स मैंने देखा, दे डोंट वर्क ऑन यूट्यूब, मोस्टली वर्क नहीं करते. इवन यूट्यूब पे वर्क नहीं करते, दे डोंट हैव एनी ऑनलाइन कोर्स, और ऑनलाइन कोर्स नहीं भी, दे डोंट टीच ऑनलाइन. इसीलिए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव करना ट्रेन का बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मी जब आप कर रहे हैं तो फिजिकल के साथ साथ मेक श्योर, मेक ऑनलाइन प्रेजेंस, मेक राइट ए बुक. ये बहुत मस्ट है किसी भी ट्रेनर्स के लिए, कोचेस के लिए मार्केट में सर्वाइव करना. ओके, तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी. अच्छा, आप कितने लोग हैं जो लाइव वीडियो एडिट करते हुए देखना चाहते हैं? 2 मिनट का काम होता है. और तो अगर जितने चाहते हैं टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस, ठीक है, टाइप करें. अब यहाँ से बताऊंगा कितना आसान है, कितना आसान है. देखिए, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर वो ओरिजिनल नहीं है, तो कई बार हैंग कर जाता है, ठीक है. तो उस समय आप लोग प्लीज तैयार रहना, मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि लाइव कराने में दिक्कत होती थोड़ी सी. तो ये आपका 10 मिनट. ओके, ये आपका सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड कैमटेशिया. ये कैमटेशिया नाम का सॉफ्टवेयर है, और दिस इज द बेस्ट फॉर एडिटिंग. ये एजुकेशन एडिटिंग के लिए बेस्ट है. और इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, देखिए, अगर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन कैमटेशिया textpin.com, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने सिस्टम में 1 महीने तक मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं. मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं लेता. 1 महीने बाद ये 22,000 रुपये आपसे मांगेगा. तो आपके पास दूसरा तरीका है, समझ गए ना मेरी बात आप? तो हम कौन सा चॉइस आपकी है. तो आपके यहाँ इंपोर्ट मीडिया पे आपको जाना है. देखिए, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, इट इज द बेस्ट एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इजी टू यूज है. इसके साथ फिल्मोरा भी है. सर, वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, फिल्मोरा, कैमटेशिया, OBX, Adobe Premiere Pro, और एडमिशन के लिए देर आर वीडियो स्क्राइब, मूडल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सर. आप कौन सा यूज करते डिपेंड करता है. ये सबसे इजी होता है समझाने के लिए, इसको मैं ये यूज करता हूँ, यूज तो बहुत सारे करता हूँ. यहाँ जाएगा आप इंपोर्ट मीडिया पे, इंपोर्ट मीडिया पे गए और आपने कोई वीडियो इंपोर्ट किया. जस्ट अ मिनट. अच्छा, चैट में तो बहुत सारे, मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम कीजिए, जस्ट अ मिनट. मैंने वीडियो इंपोर्ट किया, जैसे ये इंपोर्ट आ गया. ओके, यहां मैं जाऊंगा. यहां जाने के बाद क्लिक करके इसको ऐड टू प्लेट कर दूंगा. लुक एट दिस, ये सीधे इस पे आ जाएगा. इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, शायद मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैं दूसरी वीडियो डालना पड़ेगा जहां ऑडियो है ही नहीं. कई बार डीएसएलआर जब शूट करता हूं मैं, तो कई बार ऑडियो ऑन करना भूल जाता हूं, कई बार उसमें बड़ी दिक्कत होती है. इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा. इसमें भी ऑडियो नहीं है शायद, नो ऑडियो. जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन विजिबल तो है शायद, आपको विजिबल है शायद, अगर मैं ओके, यस विजिबल है. ठीक है, एक और वीडियो लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ में गया. यस, इसमें ऑडियो है. इसको ड्राइव भी कर सकते सीधे. ऑडियो भी नहीं आ रहा इसमें.
नमस्कार, मार्गदर्शन गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम, अब आप देखिए, सतपी सिंह। आजकल बच्चे पढ़ते, आपको ऑडियो आ रही है? ऑडियो की आवाज आ रही है आपको? वीडियो ये तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर याद नहीं होता हमको। आपके पास वीडियो की? यस। अब इसको एडिट कैसे करना? बहुत आसान है, केवल 50 स्टेप बताऊंगा, ओनली 4 स्टेप, और इसको प्रोफेशनली एडिट कर दूंगा। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में जाके इफेक्ट्स डालने, यहाँ क्लिक कीजिए, विजुअल इफेक्ट जाइए, रिमूव कलर जाइए, रिमूव कलर नीचे गए आप, भाई तंग करता है। यस, अब इसको अपने क्लिक करके यहां ड्रैग करना है, बस ड्रैग कर दीजिए। अब यहां आपने क्लिक किया, आपने ब्लैक चुना, यहां आपने क्लिक किया, आपने ड्रॉपर चुना, ये आपने उठा के ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब लुक एट दिस, क्योंकि वो गलत तरीके से याद कर रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से सही याद नहीं कर रहे, कायदे में देखा जाए। आप देखो इतना किया, फिर आपको टॉलरेंस बढ़ानी है। जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम इन करूंगा जैसे मैंने, ओके, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जब हम पढ़ के, अब इतना करने के बाद यहाँ गए और यहाँ आप थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाई देगी, गायब हो जाऊंगा मैं। तो यहाँ आपको ऐसे करना, जो साइड में जो आपकी जो लाइनिंग आती है, अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे हो, ये साइड में आपकी लाइनिंग आएगी, वो लाइनिंग गायब कर दीजिए, सॉफ्टनेस बढ़ा दीजिए, ठीक है। बस अब यहाँ जाके याद करते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो आप देखिए, ये पहले से प्रोफेशनल नहीं लग रहा, सिंपल स्टेप है सर, कोई बड़ा तो नहीं है, ठीक है, सिंपल स्टेप है ना, कोई बड़ा स्टेप नहीं, बहुत बिल्कुल नॉर्मल मैंने आपको बताया, ठीक है। यस, बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको और इसका रंग डालना है, यहाँ जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, और यहाँ जाके रंग चूज करना है, पहले अप्लाई, टेक सम टाइम, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ जब वीडियो बनाए तो मेक श्योर उसकी, तो देखिए अगर एच डी बनाओगे तो ऐसा होगा, 720 बनाओगे तो ऐसा होगा, 480 बनाओगे तो ऐसा, तो आप मिनिमम 720 पीस रखिएगा, मिनिमम 720। ये आप अपने वाइड स्क्रीन है, ये वाइड स्क्रीन है, ये नॉन वाइड स्क्रीन है, तो मैंने 720 पी रखा, और यहाँ जाके इसको एडिटिंग में थैंक यू चेंज कर रहा है। यस, लुक एट दिस, तो हमको 25% याद होता है, साइलेंट रीडिंग करते हैं तो 25। यहाँ मैं गया और इसको मैंने लुक एट दिस यहाँ बढ़ा के इसको 25% याद होता है, जब हम सुनते हैं तो हमको 35% याद होता है, जब हम बोल, आप अपने हिसाब से जैसा आप रंग चाहें वैसा रंग कर सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड होता है, बहुत इजी, देखिए एक तो ये स्टेप पता लग गया आपको, अब यहाँ जाके आपको एक काम और करना है, एक स्टेप पता लग गया, दूसरे में जाके ऑडियो इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ डालना है इफेक्ट नॉइज रिमूवल, तो आसपास के जो थोड़ी मोटी आवाज आ रही होती है वो गायब हो जाएगी। बोलते हैं तो हमको 65% याद होता है, और जब करते हैं, और वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम को लेवल कीजिए फिर, ताकि अप डाउन वॉल्यूम कम हो जाए, और फिर इसको इस साउंड को बढ़ाना चाहें ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। लुक एट, अब आवाज बहुत तेज हो जाएगी, तो 80% से ज्यादा याद होता है, और डिस्कस करते हैं, इट इज मोर देन 90। आप देखिए ये है ऑडियो का, लुक एट दिस, मैं इसको ऑडियो मैनेज कर लिया। अब इसके बाद मुझे अगर टेक्स्ट डालना है तो एनोटेशन पे जाना है, यहाँ करना है, उसको उठा के लुक डालना है, और यहाँ मैं आराम से नाम डाल सकता हूँ अपना, आराम से, जस्ट अ मिनट, यहाँ डाल के सत्य डाल दिया, ठीक है, और यहाँ डाल के इसको मैं कितनी दूर तक चाहता हूँ, मैं इसको 10 मिनट तक दिखाना चाहता हूँ, 5 मिनट दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, ये गया,
कितने सेकंड तक रहेगा, लुक एट दिस। अब ये एक मेन कारण है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं पढ़ाई समय चुपचाप बुक लेकर साइलेंट रीडिंग करते हैं। अगर आप चुपचाप पढ़ोगे तो कितना दिमाग में घुस रहा है, केवल 25%। कितना? ओके, तो ये आपका बहुत ही इजी है, आपने लिख दिया। आप इसके पीछे आप इमेज लगाना चाहते हो, ठीक है, और इसके साथ असर, इसके लिए आपको इमेज हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। हिंदी में टाइप किया रखा हुआ और यहाँ आपको पेस्ट करना पड़ेगा, आप समझे, टेक्स्ट में पेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब इसके साथ साथ आप चाहते हो पीछे आप टेक्स्ट लगाओ कोई, आप ठीक है ना, कुछ पीछे आप ना इमेज लगाओ। यहाँ आप जाइए कंट्री पे, जाइए इम्पोर्ट पे जाइए, और यहाँ जाके कोई भी ना, यहाँ जाके कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, पिक्चर्स, यस पिक्चर्स में रैंडमली कोई भी उठा रहा हूँ सर, कोई भी पिक्चर, सपोज मैंने बड़ी आपकी ऐसी पिक्चर उठानी पड़ेगी आपको जिसका पिक्सल साइज ज़्यादा हो, नॉर्मल पिक्सल साइज यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, ये पिक्सल साइज, जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस, ये मैंने उठा लिया, ये मैंने उठाया और ये ड्रैग कर दिया यहाँ। अब ये मेरे आगे आ गया, अब मैं चाहता हूँ ये फोटो जो है बैकएंड में जाए, क्लिक करना है, ठीक है, फिट सॉरी अरेंज सेंड बैकवर्ड, लुक एट दिस, अरे बैक हो जा, अरेंज पे जाओगे, सेंड बैकवर्ड, यस। अब देखिए ये फोटो आ गई इसकी, ये फोटो लुक एट दिस, आप देखिए मेरी यहाँ फोटो है और ये वीडियो है आपका। 25% और ब्रेन की खूबी है कि विद इन 24 आवर्स, 24, तो आप ऐसे, अच्छा अभी आपको फोटो कितनी देर तक लगानी है ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये ट्रैक वन हो गया, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री हो गया, यहाँ से जाते हो मेरी फोटो ये 10 सेकंड तक रहे, बस 10-15 सेकंड लिख कर सकते हो, ये आप बीच में लगा। अब चाहते हो एक और फोटो आगे लगे तो इसको आप आगे लेके जाइए और आगे जाके यहाँ एक और फोटो डाल दीजिए, जस्ट मिनट, यहाँ गया और मैंने इसको यहाँ जाके ये स्टार्टिंग का पोर्शन मुझे काटना है, सपोज ये मैंने कट किया, ये कट जाएगा आराम से, यस कट गया। और मुझे एक और फोटो डालनी है तो यहाँ क्लिक जाऊँगा, इम्पोर्ट मीडिया में जाऊँगा, ठीक है, इम्पोर्ट में जाने के बाद यू वोंट बिलीव, यहाँ से एक कोई और फोटो ले लूँगा मैं उठा के, यस ये फोटो ले लूँगा, इमेज, यस ये उठाया, ओपन किया और इस इमेज को हम यहाँ लगा दूंगा यहाँ, ठीक है, इसे लगाया, थोड़ा बड़ा कर दिया, लीजिए यहाँ कर दिया। अब इसको भी साथ चला सकता हूँ और यहाँ इमेज जो फोटो है मैं अगर इसको आगे चाहता हूँ आगे रहेगा, अगर इसके बैकवर्ड चाहता हूँ बैकवर्ड चला जाएगा। अब कितनी देर तक चाहता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ 5-6 सेकंड तक रहे, लुक एट दिस। आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर याद नहीं होता, मतलब आप यहाँ जाके बस आपको शेयर करना है और रेंडर हो जाएगा। यहाँ शेयर बटन पे जाओगे, लोकल फाइल में क्लिक कर दोगे, ये रेंडर हो जाएगा। मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता इतना, अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये डिफिकल्ट है, ठीक है, क्या ये डिफिकल्ट है, क्या इतना छोटा सा काम करना, इट इज टफ, ये बहुत आसान है। और यही मुझे उसने कहा था, सर बहुत टफ है, नहीं होगा तुमसे। अरे मैंने महीनों एडिटिंग सीखी है साहब, मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं, और जब ट्राई करा मुझे हलवा लगा। तो ये सीखना बहुत आसान है, इट इज नॉट टफ। आप कितने भी इफेक्ट डाल, अगर मैं आप सबसे पूछता हूँ अगर इतना भी कर लोगे साहब, ये मैं आपने पीछे बैकएंड से क्रोमा हटा दिया, आपने इफेक्ट्स ऐड कर दिया, तो वो सब अच्छा, कितने लोगों के सवाल बहुत हैं, ठीक है, तो सवाल बहुत हैं, उसका मैं तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये छोटा सा हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है, अच्छा ये जो ग्रुप, जस्ट ए मिनट, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, मैं आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, एक जस्ट ए मिनट, कॉपी, ये व्हाट्सएप ग्रुप का शॉप शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जस्ट मिनट, आप इस पर, आप पहले एंट्री करो इसमें, पहले इसमें एंट्री कर जाइए, फिर मैं क्या क्या सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ से मिलते हैं समझ रहे ना आप लोग, समझ गए होगे, समझा कि इशारा काफी है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें। अच्छा कितने लोग अभी आने लगे देखता हूँ व्हाट्सएप में, इस ग्रुप में प्लीज एंट्री कीजिए, एंट्री कीजिए, यस Join this WhatsApp group. Join this WhatsApp group.
ये आप ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ओके, ये सभी लोग सब ज्वाइन कर ले प्लीज। ये मैं लॉक लगा हुआ है, मैं लॉक थोड़ी देर बस खोल दूंगा इसका। ओके, ये हो गया पहला सेक्शन। देखिए वीडियो अच्छा, एनिमेटेड वीडियो किसी ने पूछा, और एनिमेटेड वीडियोस में दो पार्ट होते हैं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी दैट इज वीडियो स्क्राइब, एक है जो आप अपने स्मार्टफोन से एनिमेटेड वीडियोस बनाएं, एनिमेटेड अपने स्मार्टफोन से बाई पावर पॉइंट ईजिली बन जाता है, ईजिली बन जाता है, ठीक है। तो हम उसके बाद शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं क्या क्या टूल चाहिए आपको, ओके, क्या क्या टूल चाहिए, कौन कौन सुनने को तैयार है प्लीज, ठीक है। कितने लोग सुनने को तैयार हैं, टाइप टूल इन द कमेंट सेक्शन, टाइप टूल इन द कमेंट सेक्शन, ओके। देखिए माफी चाहूंगा, मेरे सारे एम्प्लॉय घर जा चुके हैं, अभी लास्ट में को जबरदस्ती बिठा के रखा था वो जा चुका है, तो मुझे अकेले मैनेज करेगा, मैंने करना पड़ेगा। तो कोई आपको अगर डिफिकल्टी हो उस दौरान तो प्लीज मुझे माफ कर देना आप, ठीक है, ओके। तो मैं अपना बेस्ट करूंगा, यस, तो मैं अपना कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ताकि आपको लिमिटेड टाइम में मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन बता पाऊं। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं कहूँ यू कैन सेटअप योर वर्ल्ड क्लास, सॉरी वर्ल्ड क्लास नहीं, वेरी गुड टाइप स्टूडियो, गुड स्टूडियो विद इन 25,000 रुपीज, विद इन 25,000 ऑन विच यू कैन, जस्ट अ मिनट, लोकमान सर प्लीज रेज योर हैंड, मुझे स्क्रोल डाउन करने में दिक्कत हो रही है सर, सर रीजन करें सर, मैं ढूंढ नहीं पा रहा आपको सर, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, कितना स्पेस चाहिए, ओके जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कितना स्पेस चाहिए। अभी तो क्रीम बाकी है, अभी क्रीम आपको मिलनी बाकी है इस चीज के, ओके। लोकपाल सर आर यू इन, यस सत्या, ओके, सारे एम्प्लॉय चले गए पर मैं बैठा हूं आपका मास्टर एम्प्लॉय चलिए सर, दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हो, आप यकीन नहीं करोगे, आपके घर के कमरे से अच्छा स्टूडियो हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो, आपके घर के, देखिए आप लोगों ने मिस्टर लोकमान का वीडियो देखा, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये प्रोफेशनल है कि नहीं, इट इज प्रोफेशनल और नॉट, अगर यस तो टाइप यस, नो तो टाइप नो, लगता है प्रोफेशनल। अब मैंने जहां शूट किया था, आप यकीन नहीं करोगे, जब देखोगे तो हैरान हो जाओगे, यहां शूट किया था आपने, तो सबसे पहले वो मैं रूम दिखाता हूँ जहां ये शूट किया गया था, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं अभी अकेला हूँ, ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ताकि आपको देखिए ये है वो रूम, इसके बैक एंड में देख रहे हो, दिस इज क्रोमा, ये क्रोमा है, ठीक है। अब ये दिस इज क्रोमा, और ये 250 रुपए का मिलता है, ओनली 250, पूरा कपड़ा है, देखिए अगर आप यहाँ देखिए, मैं पहले आपको इससे दिखाऊंगा, अच्छा मेरे पास थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर तक गया है, लुक एट दिस, बहुत ऊंचा है सर, बहुत ऊंचा है, लगभग मेरी हार्ट छोटी पड़ती है, ये क्रोमा है, ठीक है। एक तरफ एक और दिखा देता हूं सत्य में, ये देखिए ये क्रोमा लगा हुआ है, ये भी पीछे सर के क्रोमा लगा हुआ है, देखिए ये मेरे क्रोमा हुआ है, देखिए ठीक है। तो ये क्रोमा यहाँ है, अब यहाँ आप देखिए लाइटिंग के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, लुक एट दिस सिस्टम, एक गोल गोल रिंग लाइट है तो आप देख पा रहे हैं, और ये आपकी लाइट है जो अम्ब्रेला लाइटिंग है, ठीक है, रिंग लाइटिंग अम्ब्रेला लाइटिंग, और ये मेरे पास जो है एक छोटा सा मैं कहूँ एक जो आपके हाथ में है, दिस इज क्या कहते हैं, वेब कैम है। तो अब मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, सिंपल वीडियो अच्छा शूट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड क्रोमा, ऐसा क्रोमा चाहिए। अब इस क्रोमा को मैंने ठोका कैसे, देखिए आप देख रहे हैं पिन साइड में लगे, पिन ये आप देखिए साइड में, ये ओके कहाँ गया, ये जो पिन आप देख पा रहे हैं, पिन इलेक्ट्रिकल पिन है जिनसे वो तार बिजली वाले यूज करते हैं, केबल की लाइट आती है ना, केबल की लाइट जो केबल की वायर आती है, उससे मैंने ठोका हुआ है ताकि मेरी दीवार खराब ना हो, ठीक है। और ये 250 रुपए का आता है दिल्ली में, जिंदगी कहते हैं कितने लोग दिल्ली से हैं प्लीज, कितने लोग दिल्ली वाले हैं प्लीज, टाइप डबल डी इन द कमेंट सेक्शन।
दिल्ली से कितने लोग हैं? वाओ, कंटेंट मेकर प्लीज, तो दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली के दिल वाले। तो ध्यान रखना, ये सारा माल चांदनी चौक में आपको कोने के दाम में मिलेगा, 250 रुपए का, मेरे से 250 का, इतना बड़ा। तो 250 की मिलेगी डुप्लीकेट, समझ रहे हो? यहाँ भी डुप्लीकेट लगी है, वहां भी डुप्लीकेट लगी है। एक ही ओरिजिनल मेरे पास जो 1200 की है। तो ओरिजिनल मेरे पास है, डुप्लीकेट भी हमारे पास है, ठीक है ना? तो मैं बेचता नहीं हूँ सर। एक डर ना, एक तनु मनुष्य में इनको डुप्लीकेट भी ये रखेंगे, ओरिजिनल भी ये रखेंगे। ध्यान रखना, आपको डुप्लीकेट लेनी है। क्यों भाई साहब? 250 रुपए की है, फटे नुचे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। इसको क्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमा। अगर ये न मिले तो आप डिस्टेम्पर लेके आइए, इस रंग पे दीवार पर रंग दीजिए, या तो ग्रीन या ब्लू, बस आपका बढ़िया क्रोमा बन गया, बड़े क्रोमा गया। तो ये 250 रुपए लिखिए, ये है आपका 250 रुपए, इट इज 250 रुपीज ओनली। लोकपाल सर, ये जो ग्रुप में लिंक दिया है, ग्रुप प्लीज आप ज्वाइन कर लें सर आप। तो पहला हो गया आपका ये 250 रुपए, ज्यादा तो नहीं है। अब लिखते जाइए प्लीज, लिखते जाइए प्लीज, 250। अब आपको एक माइक लेना है। अगर आपको माइक लेना है, यू वांट टू परचेज वन माइक, तो सबसे बेस्ट माइक है बोया का, 600 रुपए का, 600-700 का आता है। और जो ऑडियो मैंने सुनाया था लोकमान सर का, वो उसी माइक से रिकॉर्ड हुआ था, उसी माइक से। तो माइक मेरे पास 15,000 रुपए का भी है, 10,500 रुपए का भी है, सबका। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू का माइक है, 10,500-11,000 रुपए का आता है। तो मैंने बड़े पैसे जलाए अपने, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, देर इज वेरी लाइट डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस होता है उस 600 रुपए के माइक में और इस 10,000 रुपए के माइक में। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो आप शुरुआत करें, क्योंकि मुझे क्वालिटी साउंड चाहिए, थोड़ी सी क्वालिटी साउंड चाहिए थी, तो मेक श्योर आप सबसे पहले उस बोया के 600-700 रुपए के माइक लीजिए। यकीन नहीं करोगे, इट परफॉर्म्स द बेस्ट, रफ एंड टफ है साहब, खराब हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोया का वायरलेस लिया था 15,000 का, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, फूक गया, वो पूरे 15,000 मेरे पानी में गए, आप समझ पा रहे हो? तो मेक श्योर, ओके जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट फॉर सेकंड, थोड़ी देर के रुकिए प्लीज आप लोग। तो जो माइक है बोया का, ये 600-700, देखिए बोया ये है ब्लू का, ये थी, अब ब्लू का स्नोबॉल भी आता है, तो ये थी सबसे बेस्ट है ऑनलाइन रिकॉर्ड का। इसमें क्या है, 4 मोड होते हैं, अगर आप देखेंगे तो 4 मोड होते हैं, और इसमें आप अगर मैं इसको कम कर दिया गेन को, अगर आप देख पाए, ये आप देख पा रहे हैं गेन, ये आपका गेन है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो इतने सराउंडिंग साउंड लेगा, ये गेन है। इस गेन को आप कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स गेन में क्या है, अगर आसपास मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मैंने इसको गेन को कम कर दिया तो इतने एरिया की साउंड कैप्चर करेगा, आप समझिए, इतने एरिया की। अगर गेन बढ़ा दूंगा तो आसपास के एरिया की साउंड कैप्चर करेगा। तो इससे क्या होता है, अगर आसपास आपकी आवाज भी आ रही हो तो क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड होती है, पहला फायदा इसका ये है। तो मैंने आपके राइटअप में क्या मेंशन किया था, 25,000 में स्टूडियो कैसे बनाए, तो ये तो 10,000-10,500 रुपए का है, ये तो महंगा है। तो मेक श्योर, मैं आपको सर एग्जैक्ट मॉडल आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें प्लीज, ठीक है? मैं बहुत लिस्ट बड़ी लंबी है ये। तो पहले आपको 250 रुपए हो गया, 250 रुपीज आपका क्रोमा, ठीक है? वो ये लेने, दो लेने, तो कितना हो गया आपका, 500 रुपया। कितना नोट करते हैं ना, केवल 500 रुपया। अच्छा, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, रुपीज 500 लाइटिंग आपके पास देख रहे हैं, ये लाइटिंग आपके पास, सॉरी ये है इसके पास, जस्ट अ मिनट लोकमान सर। यस सत्या, मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर कंट्रोल लें इसका, तब तक मैं आपको सामान दिखाता हूँ अपने एक एक करके सामने लें, ठीक है सर? चलिए सत्या, थैंक यू सर। यस, तो कितना पैसा गिन दिया आपने अभी तक? अभी तो 500 ही गिना है सर। चलिए 500, मैंने ये माइक 700 रुपए में लिया था, उसके बाद ये माइक जो है सस्ता हो गया दोस्तों, और उस माइक को मैं आपको, पांच सौ से 700 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये आपको 800 रुपए में मिल जाता है, इससे ज्यादा ये नहीं है। और बोया का M1 करके ये माइक का नाम है, और ये जो क्रोमा सत्या ने बताया वो 250 रुपए का है, 50 रुपए की आपकी क्लिप आ जाती है। आपका अपना मोबाइल फोन बेटे एक वो देना, स्टैंड, कैमरा स्टैंड छोटा वाला, जो छोटा बड़ा जो भी हो, आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं,
ट्राइपॉड आपको 300 रुपए से लेके 2000 रुपए की कॉस्ट तक के आप मार्केट से ले सकते हो, और उसके साथ एक छोटा सा मोबाइल का होल्डर आता है, वो सत्य अभी आपको दिखाएंगे, वो 100 से 150 में होता है, वो आप ले सकते हैं, एंड दैट्स इट। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है घर में, तो वही इसका काम करेगा, और उस पर आप एडिट कर सकते हो, मोबाइल पर आप उसे शूट कर सकते हो। ना आपको DSLR कैमरा की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा कुछ इक्विपमेंट अरेंज करने की जरूरत है। आपको लाइटिंग अगर लेनी है, लाइटिंग का इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है आपको वीडियो एड्स बनाने में, वीडियो शूट करने में, तो लाइटिंग जो है वो भी बहुत सरल है। 3000 रुपये में आपका लाइटिंग का पूरा सेटअप लग जाता है। अगर आप रिंग लाइट लेना चाहते हो तो 3,500 की, अम्ब्रेला लाइट लेना चाहते हो तो वो 3000 रुपये के आसपास वो सेटअप लग जाता है। इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं, और आपको कोई सेपरेट रूम नहीं चाहिए, एक वॉल चाहिए, एक दीवार जिस पर आप उस पर्दे को लटका दें जिसे क्रोमा कहते हैं, वो पर्दा ऊपर से नीचे लटक जाएगा। जब आपको दीवार काम नहीं लेना तो आप उसे रोल करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उस वॉल को भी यूज कर सकते हो, और ना आपको किसी कमरे को स्पेसिफिक पूरा स्पेस खर्च करना है। सिर्फ आपको जिस टाइम पर शूटिंग करें उस टाइम पर आप वॉल फेसिंग आप अपने मोबाइल को स्टैंड पर लगा देंगे ट्राइपॉड पर, और अपनी लाइटिंग ऑन करके जहां भी आपने स्टोर रूम में रख दी है, आपने अलमीरा में रख दी है, निकाला लाइटिंग लगाई। अदरवाइज मैंने वर्षों से लाइटिंग भी यूज नहीं की, और आप देखेंगे ये मेरा मैं ज्यादातर लाइव वेबिनार्स, योगा की जितनी भी वेबिनार हैं वो ये मेरे पास 300 और 100, 400 रुपए का ये सेटअप है। एक मोबाइल फोन देंगे बेटा, ये देखिए, जब भी मुझे पार्क में जाके या कहीं इन हाउस या बाहर, ये आप देखेंगे, जब भी मुझे कोई वेबिनार करना है, लाइव करना है, या कोई वीडियो शूट करना है, तो मैं ये ट्राइपॉड वहां खड़ा कर देता हूँ। ये 400 रुपए का है, ट्राइपॉड प्लस होल्डर, जहां भी आपने खड़ा किया और इस पर आपने मोबाइल को माउंट कर दिया, इतना सिंपल है। ये देखिए, ये आपका मोबाइल माउंट हो गया, ट्राइपॉड मोबाइल माउंट। सिर्फ अभी मेरी आवाज आ रही है सर? यस सत्य, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वो आपका आपका कपड़ा, देखिए मेरा, ये आपको बटन भी दिख जाते हैं, तो ये डुप्लीकेट की कमी होती है। अगर आप ओरिजिनल जाएंगे, ये ओरिजिनल है, बहुत मोटा होता है, देखिए आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत मोटा है और हैवी बहुत है। तो ये 1200-1300 का आता है, या परचेज कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने नियरेस्ट शॉप से। और ये जो डुप्लीकेट आते हैं इस पैकेट में आते हैं, प्राइस हो गए मैक्सिमम 300 के लोग देते हैं इसको। तो ये है पहला आपका क्रोमा का लेना। अब इसके साथ साथ आपको जाना पड़ेगा लाइटिंग पे। लाइटिंग पे आपको करना क्या है, ये पिन लेने छोटे छोटे से, जब डालते हैं इस पिन को दीवार पे, बहुत ऊंची दीवार दिख रहा है, बहुत ऊंची दीवार है, छोटा लगा मेरी भी अच्छी खासी है। तो पहला है, फिर आपको क्या करना है, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जाएं अपने वीडियोस बनाने के लिए, मेक श्योर ओनली आपका ना स्मार्टफोन इनफ है। मेरे पास अब DSLR रखा है, बट ये किसी यूज का नहीं है, देखिए ये किसी यूज का नहीं है, क्योंकि अब स्मार्टफोन आप 15,000 में बहुत अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं, पर इसके लिए ना आईफोन इस्तेमाल ना करें। आईफोन इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी। जिनके पास आईफोन वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है, प्लीज आईफोन से ना करें, वो आईफोन बहुत महंगे आते हैं और वीडियो शूटिंग के लिए जी ज्यादा वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये है रिंग लाइट, ठीक है ये है रिंग लाइट। अगर आप देखिए बहुत बड़ी है, मेरा सर भी घुस जाता है इसमें, ये 3,500 समथिंग की आती है, बहुत ही जबरदस्त लाइट है। अब इसमें फायदा क्या होता है, ये लाइट क्या करती है, आप एडजस्ट करती है, आप कम लाइट मैनेज कर लेगी, ज्यादा लाइट मैनेज कर लेगी। आप देखिए मैंने सब लाइट ऑफ करके रखी है, ठीक है, जैसे इसको ऑन करूंगा, जैसे इनको ऑन करूंगा, आप देखिए ये मेरी अभी चेहरा बन रहा है, ठीक है ये, अब देखो ऑन करते ही बहुत ज्यादा पास में लाइट लग रही है, इतनी लाइट आपकी आ जाती है। देखिए इसी में देखिए, अगर आप यहाँ देखिए अंतर हो जाता, बहुत अंतर हो जाता। तो इसमें आप मैनेज कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, कम होगी देखिए बिल्कुल कम होगी, धीरे 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 ज्यादा होगी, ब्लूइश कर सकते हो, ठीक है ना, ये अलग अलग एंगल से मैनेज हो जाती है आराम से। ये सबसे बड़ा फायदा, रेडिश भी हो जाती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये। तो ये सबसे बेस्ट लाइट है। इसके बाद आपका आता है ये छतरी, छतरी के ऊपर आप देख रहे हो, ये मैंने बल्ब लगा कर रखी, कितने को बल्ब दिख रहे हैं,
टाइप इसके कमेंट सेक्शन बल पर। अब ये तो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये है दिस, ये आता है 1200 से 1300 रुपए का, 1200-1300 मिलता है, बहुत सस्ता है। और ये इसके ऊपर ये जो कनेक्टर लगाए जाते हैं इसके ऊपर आप बल्ब लगाइए, 23-24 वाट का बल्ब लगाइए, बल्ब तो 350 का आता है, तो 1250 का ये है, आप समझिएगा 1250 ये, और 400 रुपए का बल्ब लगा लो, अभी भी आपके 2-3 हजार रुपए से कम हुए। एंड दिस इज स्टैंड, ये आप देख रहे हो, ये एक साइज स्टैंड है जो 7000 है, ये 600 से 700 का सोनिया का आता है, सोनिया सबसे बेस्ट ब्रांड है, छतरी आती है 100 रुपए की, और ये आपका ये 1200 + 600 टोटल 2000 मान लिया, एक एक बल्ब लगा लिए 500 का, तो फिर आपने 2000-4000, 4 से 5000 में आपका एक छाता तैयार हो गया, एक छाता। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस, आपको रिकमेंड क्या करूंगा मैं, ये आप लीजिए, ये बेस्ट है, इसके अलग फीचर्स हैं, इसके अलग फायदे हैं, इसके अलग फायदे हैं, इसमें आंखों में लगती है लाइट कई बार दोस्तों, इसमें आंखों में लाइट लगती है, इसमें नहीं लगती, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये 350 समथिंग की आएगी, ये ऐसे आएगी। अच्छा अभी मैं दोनों को ऑन करता हूँ, देखिए दो कैट दिस से ऑन हो गई, अब देखिए ये देखिए लाइटिंग, अब देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग होगी। तो कैमरे में आप फोन कैमरे शूट करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइटिंग, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है DSLR फेल उसके आगे, ये मुझे पहले नहीं पता था, मैंने DSLR भी ले लिया सब चीज़ ले ली, क्योंकि मुझे पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के साथ आपको ये आपको बोया का माइक, ये बहुत बड़ा है, लगभग 6 मीटर का होगा आराम से, तो मैं यहाँ लगा के उस यहाँ लगाया मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड, उस टेबल पे जाके मैं आराम से उस बोर्ड पे रिकॉर्डिंग कर सकता, इतना फायदेमंद है ये, 600 रुपए का आता है। जब रिकॉर्डिंग करें तो आप 30 फ्रेम पर सेकंड रखें मिनिमम, दैट इज मिनिमम फ्रेम होता है, जब वीडियो रिकॉर्ड होता है वो फ्रेम रिकॉर्ड करता है पर सेकंड। तो पहला है आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना है, एक आपका मोबाइल 15000 रुपए का 16 का, समझिए मोबाइल का भी कॉस्ट काउंट कर रहा हूँ, मोबाइल हो गया 5000 की मैक्सिमम आपकी लाइटिंग, कितना हो गया सर 20000 हो गया, 250 रुपए के ये 1000 और आपका 2000 का बढ़िया क्वालिटी का ट्राइपॉड। ट्राइपॉड भी कितना लेंगे, ट्राइपॉड आप हल्का लेने जाओ हल्का मिलेगा, मेरे पास 3 ट्राइपॉड है, एक ये रखा है, ये मेरे पास 2200 का है। इसमें फायदा क्या होता है, इस ट्राइपॉड में आपका मूवमेंट का बड़ी पोर्टल बहुत अच्छा मूवमेंट करता है, अगर आप ट्राइपॉड महंगा लोगे तो ऊपर का जो पार्ट है सिस्टम में मैं खोला नहीं, ये इसको मूव करना बहुत आसान होता है, अलग अलग एंगल से अलग अलग एंगल शूटिंग कर सकते हो, तो आप ट्राइपॉड ले प्लीज, आप 2100-2200 रुपए का ट्राइपॉड ले पहली बार, अगर आप सस्ता लेंगे तो फिर आपको आगे मूवमेंट में दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ BSK हाउ टू मेड एनिमेटेड वीडियो, मैम वेट कीजिए प्लीज, हम आपको बताएं, ठीक है ओके। अब नाउ इसके साथ आपको अगर आपको चाहिए एक ऊपर एक माउंट लाइट ले सकते हो ऐसी, बट ये काम नहीं आती है, इसका यूज नहीं है, तो बेस्ट है, मैंने देखो इसलिए भी मैंने शायद 1500-2000 रुपए की ली थी, ये लाइट मैंने फिर 6500 रुपए की ली थी, आप देख पा रहे हो 6500 की एक लाइट है, और इसकी देखिए इसकी एक बैटरी 1000 की आती है, 8000 रुपए की मेरी चपत लगा लग चुकी, नाउ आई एम नॉट यूजिंग इट, मैं इसको यूज नहीं कर रहा। तो मेक श्योर जब आप जाएं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने अपने पैसे जलाए हैं, प्लीज मेक श्योर ज्यादा महंगा नहीं लेना, ज्यादा महंगा लेने से फायदा नहीं है, मेक श्योर आप जब स्टार्ट करें बहुत ही मिनिमम बजट में स्टार्ट करें, आप वही स्टूडियो जो मैंने रिकॉर्डिंग की बहुत कम का दाम में बना सकते हैं। तो साहब 25000 से कम में आप बढ़िया वीडियो शूट कर सकते हैं, और छत के ऊपर आपने देखी, मैं बताता हूँ एक बार वीडियो में, अगर आप देखें इस छत के ऊपर मैंने चारों तरफ बल्ब लगा रखे हैं, ये 23 वॉट के बल्ब है, आप देखिए रूम देखिए, आप ये आपका रूम, ये इसके साथ साथ ये मेरा बोर्ड है जो 8x4 खुद मैंने बनाया है, दीज आर मेरे कंप्यूटर्स, ये दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर कॉन्फिगरेशन किसी ने प्राइवेटली पूछे, दिस i7 16GB RAM, this i5 8GB RAM, this i5 and this i5, तो ऐसे सिस्टम पे लगा के रखे हैं, जब भी आपका होता है देखिए पूरे सिस्टम यहाँ चल रहे हैं, दो सिस्टम में बैठा हूँ। अब ये देखिए मैं सोफा रखा है, ये मेरा सोफा रखा है, अब ये मैंने इसलिए रखा है समझिएगा, और ये आपका साउंड अब्जॉर्बिंग की सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ये घर में की जो चीज़ें हैं जिनमें आप जो साउंड अब्जॉर्ब करती हैं, और सोफे से अच्छा साउंड अब्जॉर्ब नहीं कुछ करता है, तो सोफा लगा रखा है, एक सोफा यहाँ पड़ा हुआ है, एक सोफा यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप देखिए इसी कॉस्ट में आप बहुत बेहतरीन वीडियो
बहुत ही बेहतरीन वीडियो फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और पहला ये भ्रम निकाल लीजिए मन से कि साहब वीडियो बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। नहीं, आप बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है, वीडियो एडिट कर सकते हो। और मैं दोबारा बताऊं, देखिए हम जो ट्रेनिंग सेक्टर में हैं तो हमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी कर देते हैं, वीडियो भी नहीं बनाते कई बार। तो स्टार्ट करें मिनिमम से, स्टार्ट करें मिनिमम से। पर अगर आप इतने टॉप क्वालिटी वीडियो ना बना पाए तो मैं ना बता दे, इट इज अच्छा। राइटिंग पैड कॉस्ट, ओके, राइटिंग पैड कहाँ गया, मैं लाना भूल गया। राइटिंग पैड के लिए आपका वैकॉम का पैड आता है बेस्ट, दैट इज वैकॉम पैड, एंड दिस इज द बेस्ट वन, 8,007 का है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, उस पर पढ़ सकते हो। तो मेक श्योर जब भी आप जाए, ओके, अर्णव गुप्ता जी, आईफोन इज नॉट सूटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आईफोन इज वेरी कॉस्टली साहब, आप MI का फोन 18,000 का मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल, 128 GB हार्ड डिस्क, ठीक है, जो आपको आईफोन आजू बाजू भी नहीं मिलेगा। सेकेंड, बहुत सारे आपके जो ऐप आते हैं रीडिंग के, जो आराम से आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड में, जो आईफोन में नहीं मिलेंगे। अब आपने फोन, आपने वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वहां भी आईफोन मैक के सारे प्रोडक्ट फेल है। आप समझिए, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर आपको मैक में नहीं मिलता है। मैक वाले जितने आते हैं मेरे वेबिनार में या वर्कशॉप में, पिछली बार एलीट जनरेशन के वर्कशॉप में चार लोग थे, चारों पास मैक था फिजिकल वर्कशॉप में। अब मैंने कहा भाई साहब, तो सर क्रैक सॉफ्टवेयर कैसे ले, मैंने कहा साहब मैक है ना आपके पास, 1.5 लाख का मैक लिया, फिर 1 लाख का सॉफ्टवेयर लोगे, मतलब क्या पता, समझ रहे मेरी बात आप, तो फायदा नहीं है। आप समझ पे, चॉइस आपकी, अगर आपको आईफोन एप्पल वाला लगाना है लेना है, लीजिए सर, मना नहीं कर रहा, बट दीज आर वर्थलेस, ये बहुत काम नहीं आएंगे वीडियो में। वाई बिकॉज, एक तो आप संभाल कर रखना पड़ेगा भाई, महंगा है वो, ठीक है, रेंडरिंग बहुत फास्ट नहीं कर पाते कई बार, और मेन शोज उनकी जो क्वालिटी ऑफ वीडियो, भाई साहब आपको एंड्रॉइड सर 1/3 कॉस्ट मिल रहा है, बताइए, रगड़ के इस्तेमाल कीजिए इसको, कौन मना कर रहा है आपको। तो चॉइस आपकी है, अगर आपको आईफोन चाहिए आप ले सकते हो, बट जो मजा आपको एंड्रॉइड में आएगा ना सर, उस कॉस्ट में आईफोन आसपास टिकता भी नहीं। हो सकता है आप थोड़ी और लेंगे जो आईफोन वालों को थोड़ा लगे यार आईफोन की बुराई कर रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो 64 GB का, अभी तो 48 MP का MI का आ रहा है, फिर 128 GB फास्टेस्ट रैम, क्या चाहिए आपको बताओ। तो ये बहुत जरूरी है, जब आप जाएं स्टार्ट विद बेसिक्स। अब ये जो मेरे पास आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा एक ये वेब कैप जो आप लगा हुआ, देखिए ये वेब कैप ऊपर लगा हुआ है, ये मेरा मेन लैपटॉप है, तो इसमें कूलिंग पैड नीचे लगा के रखा है ताकि ठंडा रहे। तो मेक श्योर जब आप जाएं, पूरा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास, ये एक सेटअप यहाँ है, एक सेटअप यहाँ है, चार सेट दो है, तो मेक श्योर इट इज द बेस्ट फोन। मैं जरूर बताऊंगा मैं आपको, मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। लोकमान सर, यस सत्य जी, सत्य, हाँ दोस्तों, सत्य के हिसाब से ये जो रेडमी सत्य यूज करते हैं और मैं सैमसंग यूज करता हूँ, अगर हम मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, बट अगर हम वीडियो मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वीडियो मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो रेडमी जो है वो उसके आगे आता है। रेडमी में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो वीडियो मेकिंग में बहुत काम आते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास जो फ़ोन है, जो भी एंड्रॉयड फोन आपके पास है, आप वहां से सीखना शुरू करो। जिस दिन आपको लगे कि उसका रेजोल्यूशन या उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है, उस दिन आप अपग्रेड करना। अभी इमीडिएटली आप फोन पर खर्च करना शुरू ना करें, अभी सीखने में आपको टाइम लगेगा, आप सीख लें, फिर उसके बाद जब आपको लगे नहीं क्वालिटी में मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो मजा लाने के लिए फिर आप फोन को अपग्रेड करना। इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे लोग मेरे वेबिनार में आते हैं और कई बार फिजिकल वर्कशॉप में ज्यादा लोग आते हैं, जाते ही स्टूडियो खरीद लेते हैं और साहब उनसे चार वीडियो नहीं बनते। तो मेक श्योर फर्स्ट मेक 10 वीडियो, 10 वीडियो बनाए, नहीं तो 5 बनाए, उसके बाद लाइटिंग ये सेटअप वगैरह लें, नहीं तो आप ले लोगे काम नहीं करोगे। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने लोग आए हैं वो मेरे से यार बहुत सस्ता है खरीद लेते हैं बट उनसे 5 वीडियो नहीं बनते। आप समझे मेरी बात। तो पहले अपने स्मार्टफोन से एक ट्राइपॉड लेके छोटा सा 5 वीडियो बनाएं, एडिट करें, जब आप बना लें कि ठीक है तब आप जाके चीज़ें खरीदें। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं सेक्शन में, 5 वीडियो का आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 5 वीडियो, बस 5 वीडियो बनाना, उसके बाद आपको खर्च करना है। आपको पता तो लग जाएगा कि आपके पेट में इतनी, मतलब कहते हैं आपकी
मतलब दम है आपको भाई वीडियो बनाने की, भूख है वीडियो बनाने की, क्वालिटी इज नॉट द इशू, द कंटेंट इज द इशू, कंटेंट से ज्यादा इंटेंशन इज द इशू। लोग आते हैं पूरा सेटअप ले लेते हैं साहब 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, पर बनता हूं से एक वीडियो नहीं 3-3 महीने में। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मैं रियलिटी सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस कला को सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है? कितने लोग, कितने लोग टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, कितने लोग चाहते हैं कि ये जो कला है वीडियो मेकिंग की वो हम सीख जाएं, जैसे मैं लोकपान को सिखाई, यूट्यूब में उसको अपलोड करना सीख जाएं, यूट्यूब में मैनेज करना सीख जाएं, और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी सीख जाएं। कितने लोग चाहते हैं? ओके, तो उसके लिए, उसके बारे में लोकमान सर आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या करना है आपको, और ये एक ऐसी चीज है आपको हम सिखा के छोड़ेंगे। लोकमान सर प्लीज कंटिन्यू। सर थैंक यू सत्या, थैंक यू आपने, मैं ये समझता हूँ कि आज इतना बेहतरीन सा सेशन दिया लोगों को, और जिसमें आधे मास्टर तो लोग हो ही गए। दोस्तों जो आधी मास्टरी बची है वो हम अगले 20 दिन में हम आपको सिखा सकते हैं। तो जो लोग ये पूरी तरह सीखना चाहते हैं कि वीडियो कैसे बनेगा, उनका स्वागत है कि वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बहुत अरसे के बाद एक प्रोग्राम को फिर से लॉन्च किया है, और हम आपको ऑनलाइन घर बैठे ये सिखा सकते हैं कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, वीडियो को शूट कैसे करें, और आपको खर्चा नहीं करना है, बिना खर्चा किए आप कैसे अपने वीडियो बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, जिस कोर्स में आप ज्वाइन करके अल्टरनेट डेज पे हम इसकी क्लासेस करते हैं। स्मार्टफोन के साथ वेबकैम की जरूरत, वीडियो बनाने के लिए तो वेबकैम की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्पेसिफिक काइंड के वेब वीडियोस बनाने के लिए वेबकैम की जरूरत पड़ती है, वो टीचिंग वाले, वो हम इसमें कोर्स में बता देते हैं। तो ये टॉपिक है, वीडियो मास्टरी कोर्स है, बी क्रिएटर। इसमें हम ये 8 टॉपिक हैं, आपको वीडियो की पूरी बारीकियां बता देते हैं, सॉफ्टवेयर पे कैसे डिजाइन करना है वो बता देते हैं, सॉफ्टवेयर पे कैसे उसको एडिट करना है, कैसे उसको इफेक्ट देने, बैकग्राउंड इफेक्ट्स कैसे देने, वो सारी की सारी कला जो हम जानते हैं वो हम सब आपको दे सकते हैं। अगले 20 दिन का ये कोर्स रहता है, जिसमें करीब 10 घंटे की क्लासेस होंगी, अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है। और दोस्तों इतना रीजनेबल कोर्स है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं भी आपको ये कोर्स मिल नहीं सकता इस कॉस्ट में, लाइव लाइव उंगली पकड़ के सिखाना रियली। तो ये जो हम, कौन कौन करना चाहता है इस कोर्स को, प्लीज वाई लिखें अगर आप चाहते हो, तो मैं फिर आपको इसके आगे की डिटेल्स जरूर बता दूं। और आप सोच नहीं सकते कितना कितना हम, क्या इसमें साउंड इफेक्ट भी, यस आप इसके साउंड इफेक्ट, आप इसके विजुअल इफेक्ट्स वो भी कर सकते हैं, यस ग्रेट, वीडियो में वीडियो प्ले करा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्रोमा हटके कब आपके बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा होगा, वो सब कला आप कर सकते हैं। यस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों ये कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और आप इस कोर्स में अगर जुड़ना है तो ये 20 डेज का कोर्स है, और अल्टरनेट डेज में क्लास होंगी, और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते क्या कॉस्ट हम आपसे लेते हैं इसे सिखाने की। देखिए इसकी फीस 1199 है, 1199, 1199 रुपए की फीस है। बट आज बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बट आज हमारा जो, क्योंकि आज हमने इसको पहली बार लॉन्च किया है, अभी पहला वेबिनार है, तो पहले वेबिनार में हमारा अर्ली वर्ड ऑफर होता है, पहली 20 सीटें इस बैच की वो हम आपको अर्ली वर्ड ऑफर जो है 849 है, आज जो लोग पे करेंगे 849 में वो इसको बुक कर सकते हैं। और इसके, ये कोर्स इतना बेहतरीन है, मैंने किया था दोस्तों, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, सत्या से मैंने सीखा, मैंने वो वीडियो सीखे, और जब मैं वो वीडियो सीख के यहाँ आ पाया तो आप भी आ सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, बिल्कुल मुझे वीडियो से मेरा दूर दूर का नाता था। यस दोस्तों, इसका टाइमिंग इवनिंग में रहेगा, इवनिंग में टाइम रहेगा इसका, वीडियो मेकिंग 7 से 8 का टाइम है, 7 to 8 PM, 7 to 8 PM इसका टाइम है। और पेमेंट लिंक मैंने ये दे दिया है ऊपर आपको, पेमेंट लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है। हाँ, ये 7 से 8 है, और ये पेमेंट यहाँ आपकी फीस के आगे लिखा हुआ है क्लिक हियर, या लिंक में जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो पे हो जाएगा, आप इंस्टा मोजो पे जाएंगे, 849 प्लस टैक्सेज, वो 10-20 रुपए जो भी उसका टैक्स लेता है, 3% टैक्स लेगा, वो आप पे कर सकते हैं।
और ये कोर्स सत्य हम शुरू कर रहे हैं 28 को। यस सर। हाँ, 28 को शुरू कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें केवल वीडियो बनाना नहीं, यू विल मेक द वीडियो, ऑडियो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर इमेज माउंट कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, बैकग्राउंड इफेक्ट कैसे डालना है, थंबनेल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, लाइटिंग के बिट कैसे इंप्रूव करना है, बैकग्राउंड कैसे बनेगा, सब कुछ है इसमें। कैसे बनेगा? और सबसे बड़ा उसको यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है, यूट्यूब पे उसका मेन टैगिंग कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, यूट्यूब पे सजाना कैसे है, यूट्यूब के एल्गोरिदम कैसे देखना है, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये सब इसके पार्ट का एक प्रोग्राम का पार्ट है। आप चाहें इसमें, अगर आप कोई क्लास मिस करते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, आपको उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट डे अल्टरनेट डेज क्लास होंगी, वीक में हम लोग 3 क्लासेस की रखेंगे, वहां जाके आप अपना कंटेंट देख सकते हैं और वीडियो आप इवन डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो। पर मेक श्योर ये जो इसमें अगर आप टेक सेवी नहीं भी हैं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारी तरफ से मुहिम है एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। मेक श्योर अगर आप 4 दिन तक 1 वीक तक 3 क्लासों तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन सर रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के चक्कर में लोग याद पढ़ते नहीं है। सत्य, मैं एक सच बताऊं? यस सर। जो रिकॉर्डिंग हम क्लास की करके देते हैं, मांगते सब है, पर प्रैक्टिकल ये है कि उस रिकॉर्डिंग को 3 महीने में मुश्किल से 4 लोग ही देखते हैं। तो जो लोग लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मांगते हैं, मैं कहता हूँ वो नहीं काम आती। आप सीखो, लाइव सीखो, हम आपकी उंगली पकड़ने को तैयार हैं। ये आप रिकॉर्डिंग से जिंदगी में वीडियो नहीं बना सकते, जिंदगी में नहीं। मैं पहले वीडियो का एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, मुझे आपसे एक सच बताते हुए बड़ी खुशी होगी। पहले दिन जब मैं 20 साल में ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करके बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के पदों पर रहते हुए जब मैं बाहर निकला ये जोश लेके कि मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, और सत्या ने मुझे कहा कैमरे के सामने आ जाओ। जिस दिन मैं कैमरे के सामने गया, 3 दिन तैयारी करके गया था, 3 दिन स्क्रिप्ट की तैयारी करके गया था मैं पहले 5 मिनट के वीडियो के लिए। और यू वुड नॉट बिलीव, जब वो 5 मिनट खत्म हुए तो इसने कैमरा बंद करके कहा कुछ नहीं आता आपको। कुछ नहीं आता था क्या इस वीडियो में, आप कहना क्या चाहते थे? मेरी हवा निकल गई साहब, इस लड़के ने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं 20 साल के एक्सपीरियंस वाला आदमी ये मेरे सामने खड़े हो, कैसे कैसे कह सकता है कि ये क्या था इस वीडियो में। मैंने बैठ गया थोड़ी देर, फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरी गलती होगी। दोस्तों उस एक वीडियो को हमने 2 दिन उसी कमरे में खाना खाया, दोनों ने उसी कमरे में सोए, यानी हम 2 दिन तक उस एक वीडियो पे लगे रहे। तब दूसरी शाम को जाके वो वीडियो 5 मिनट का इसने कहा, इस लड़के ने कहा सर अब ये ठीक है, अब ये चलेगा। और उस अकेले वीडियो पे हमने 2 दिन लगाए थे, उसके बाद हमें ट्रेनिंग में कभी इतना मौका नहीं मिला कि हम 2 दिन एक वीडियो शूट कर लें आपकी सेवा करते हुए। उस अकेले वीडियो का परफॉर्मेंस इतना है कि मेरे पास 4 कॉल इंडिया में रोज आती हैं, मतलब पूरे देश में से लोगों के फोन आते हैं और वहां से लोग रियली अप्रिशिएट करते हैं कि वो वीडियो 5 मिनट का इतना बेहतरीन गया है। तो वो मैं वीडियो देख के कभी नहीं बना सकता, जिंदगी में नहीं बना सकता। वो सामने जब तक कोई खड़ा हो के कोई ये नहीं बताता कि इस वीडियो में ये कमी है। आप बिलीव नहीं करोगे, इससे पहले 2 कोर्स चलाए हमने, 2-2 महीने के कोर्स हैं, चीख निकल जाती है पार्टिसिपेंट्स की, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, पर वीडियो बनाने की जब बारी आती है, कैमरा फेसिंग की बारी आती है, सर मैं भी उसी स्टेज पे हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं और सत्या हम बहुत आगे गए। जब सत्या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मैं देख रहा होता हूं सामने, मैं भी ये कहता हूं नहीं चलेगा। क्यों? कि मैं व्यूअर की नजर से देख रहा होता हूं, आप अपने को एक्सपर्ट की नजर से देखते हो। जब मार्केट में वो चीज जाती है टाटा फिस हो जाती है। जब तक आप दर्शक की निगाह से कैमरे में नहीं देखोगे तब तक आपका वीडियो निकलेगा नहीं। तो ये वीडियो देख के तो नहीं हो सकता, मैं ये गारंटी कर सकता हूं। यस, थैंक यू। तो जितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उनको मैं बता दूं, आपकी कोई रिस्क नहीं है, 1 हफ्ते तक पैसे वापस है, कोर्स ही थोड़े दिन का है, 1 हफ्ते अगर नहीं पसंद आए ना पैसे वापस ले जाना, बिना कंडीशन के, योर मनी बैक गारंटी, बिना कंडीशन के 1 हफ्ते तक आप जुड़ो और जुड़ के सीखो। और मैं ये कह सकता हूँ कि सत्या कलाकार है, ये लड़का इतना गजब है वीडियो मेकिंग में कि आपको ये कोर्स बहुत वैल्यू देने वाला है। राधा, ये सबसे फेवरेट कोर्स है हमारा वीडियो मेकिंग और एक मेमोरी। देखिए मैं कुछ बताऊं, अगर आप जब वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाए किस लिए आपने? टू मार्केट योर प्रोडक्ट, यस और नो? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें यू हैव मेड द वीडियो फॉर विच, टू मार्केटिंग, ठीक है? आपने मार्केटिंग के लिए अपने वीडियोस बनाए हैं, यस और नो? आप जब अपने वीडियो बनाओगे, हो सकता है, मैं आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन सब्सक्राइबर लिस्ट, बस मैं ये कह रहा हूँ आपने जब वीडियो बनाए तो आपने मार्केटिंग के लिए वीडियो बनाए, यस और नो?
तो मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए आपको कंप्लीमेंट्री व्हाट्सएप सीखना पड़ेगा कि आप अपने वीडियोस को वायरल कर सकें। आप मेक श्योर बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियोस आप वायरल कर सकें उसके लिए बहुत जरूरी है आपका व्हाट्सएप है। मेरा व्हाट्सएप देखिए, मोर देन 4,93,000 मैसेज आई हैव रिसीव, इतने मैसेज मैंने रिसीव कर चुके हैं। ये मेरा स्टैट है, मेरे व्हाट्सएप की स्टैट है सर ये, और ये व्हाट्सएप मेरा एक अकाउंट का व्हाट्सएप है, ओनली वन अकाउंट। आप देखिए मेरे फोन में एक ये व्हाट्सएप है, एक ये है, एक नॉर्मल है, नॉर्मल व्हाट्सएप। तो जब तक आप व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको नहीं आती, मेक श्योर आप मार्केटिंग के बिना, आपका सोना रखा हो कोई नहीं खरीदेगा साहब, किसी को मतलब नहीं है जब तक आपको बेचना नहीं आता, जब तक आपको मार्केट करना नहीं आता। तो आपको अपने वीडियोस बनाने के बाद यू हैव टू सेल योर वीडियो, यस और नो, यू हैव टू सेल योर वीडियो। सेलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे ईजी है आप उसको व्हाट्सएप पे पिच करें, व्हाट्सएप से पिच करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको व्हाट्सएप का मार्केटिंग व्हाट्सएप पे कैसे करनी है आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी। मतलब देखिए, मार्केटिंग के बिना आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। अर्निंग किस पे होती है स्पेशली, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। यह सब व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाते हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग में छोटा सा टूल बता रहा हूं मैं आपको, कितने लोग देखना चाहते हैं वो टूल जिसमें आप विद इन वन शॉट आप टारगेट पे ऑटोमेशन लगा सकते हैं। हम तो व्हाट्सएप को स्टार्ट कर रहे हैं, जब व्हाट्सएप में हम सीआरएम बिल्डिंग सिखाएंगे सर आपको, सीआरएम मेन सीआरएम आप यकीन नहीं करेंगे। व्हाट्सएप सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हो, आप जब चाहे तब मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप में कैटलॉग बिल्डअप कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, व्हाट्सएप से आप टारगेट ऑडियंस को बल्क में मैसेज कर सकते हो। इतना व्हाट्सएप एडवांस हो चुका है, इट इज नॉट व्हाट्सएप नॉर्मल, इट इज व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। और व्हाट्सएप बिजनेस में भी कैसे लीड को अट्रैक्ट करना है, लीड का डेटाबेस कैसे लेता है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे टूल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो विद इन वन शॉट दे कैन ग्रैब एंटायर डेटाबेस ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप का डेटा 5 मिनट में 12 ग्रुप खत्म। 1 डजन ग्रुप का पूरा नंबर आप एक्सट्रैक्ट के लीजिए, उस नंबर को शॉर्टलिस्ट कीजिए, फ्रेम कीजिए, एक ही शॉट में सब लोगों को व्हाट्सएप से बल्क मैसेज भेज दीजिए। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, जो सबसे इजी है, इवन यू आर नॉट टेक सेवी यू कैन डू इट। तो आपको वीडियो मेकिंग के साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का ज्ञान हो तो सोने में सुहागा है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट मार्केटिंग आप किसी चीज को बेच नहीं पाओगे, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और इसका अनुभव सर भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग छोटी सी ट्रिक देखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, आप सब लोग ग्रुप में हो इस YouTube मास्टरी ग्रुप में। मैं क्या करूंगा, छोटा है यहाँ मैं गया, इधर मैं गया, जिन लोगों को इस कोर्स में इंटरेस्ट है ऑटोमेटिक मुझे पता लग जाएगा। यहाँ मैं जाऊँगा, शॉर्ट लिंक बनाऊंगा, तो यहाँ टाइप करूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन YouTube एंड वीडियो मास्टरी अब ये किया और ये मैंने कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद इसको आपके ग्रुप में मैंने चिपका दिया। लुक एट दिस कंट्रोल ए पेस्ट, जस्ट मिनट लीजिए, ये मेरे पेज। अब इस पर आप क्लिक कीजिए, जिनको इंटरेस्ट है इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ जाएगा, ऑटो रिप्लाई होगी, ठीक है। अब इसमें आप ऑटोमेशन 10 टाइप की कर सकते हो, 10 टाइप के मैसेज को आप ऑटोमेट कर सकते हो जो थर्ड पार्टी बॉट्स होते हैं। बॉट्स मतलब ऑटोमेटिक आपके एब्सेंस में रिप्लाई दें, जो आपके ऑटोमेटिक रेफरेंस में रिप्लाई दें। आप देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस, लोग टाइप करने लगे, जैसे टाइप किया ऑटोमेटिक इनके पास रिप्लाई चला गया। प्लीज इसको क्लिक कीजिए, प्लीज आप एक बार क्लिक कीजिए, लुक एट दिस, लोगों ने क्लिक करना चालू कर दिया। अब देखिए लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने क्लिक किया ऑटोमेटिक मेरे साथ रिस्पॉन्स चला गया। अब मैं इसको कैटलॉगिंग चाहता हूँ यूट्यूब को इसी को बेच दूँ, उसकी भी कला है। यहाँ आप जाएंगे सेटिंग्स में, जाएंगे सेटिंग्स में, टूल्स में गए, कैटलॉग में गए, यहाँ जाने के बाद यू कैन मेक द वन कैटलॉग। यहाँ मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इमेज माउंट किया, जस्ट अ मिनट, यहाँ मैं गया और फोटोज डाला, कुछ भी फोटो डाल दी, रैंडमली डाल रहा हूँ सर मैं, जल्दी माफ करना। यहाँ जाने के 10 फोटोज आप ऐड कर सकते हो। आइटम का नेम क्या डाला मैंने, YouTube, सपोज मैंने YouTube डाला, यहाँ मुझे प्राइस डाला मैंने 1150, कुछ भी डाल दिया, सॉरी। अब मुझे और फील्ड में जाना, मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है। देखिए, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी मिले, यू वोंट बिलीव, 10 फोटो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ मैं गया इसी कंटेंट का जो आपका एड है, इसी का मैंने डिट्टू कॉपी कर दिया, कंट्रोल ए कॉपी, लुक एट दिस, मैंने पूरा एड यहाँ कॉपी कर दिया,
लीजिए ये ऐड पूरा कॉपी कर दिया, पूरा ऐड कॉपी कर दिया और यहाँ मैं गया ऐड कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ सेव हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ मैं गया दोबारा एडिट पे गया मैं और यहाँ मैंने देखा अब मुझे पेमेंट लिंक ऐड करना है, तो सर ने जो पेमेंट लिंक दिया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ मैं गया, यस जस्ट अ मिनट, ये पेमेंट लिंक है इंस्टा मंजू का, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ दोबारा गया, सेटिंग्स में गया, टूल्स में गया, कैटलॉग में गया, कैटलॉग में टॉप पे गया और यहाँ मैंने इसको चिपका दिया दोबारा, और कुछ भी आइटम कोड डाल दिया, कुछ भी सेव कर दिया। अब मैं जैसे इसको आपको भेजूंगा, ठीक है, अभी ये टाइम ले, अप्रूवल में टाइम लगे, ये दिखा रहा घंटी, ये पहले के मैंने अप्रूव किए हुए रखे हैं। यहाँ गया, क्लिक किया, शेयर किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यू वॉन्ट बिलीव, आप ही के ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं, आप ही ग्रुप में डाल रहा हूँ, जैसे मिनट आप देखिए, ये क्लिक ऑन दिस, आप क्लिक करोगे, आप प्लीज क्लिक कीजिए, आप में से कोई क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे लुक एट दिस, आपको सीधे डाइवर्ट करेगा, यहाँ डाइवर्ट करेगा, आप यहाँ करके पे भी कर सकते हैं जी, लीजिए। अब जो आपको देख पा रहे हैं, अच्छा आपको कितने को मेरा एड्रेस दिख रहा है, चलो ये तो मैं इंस्टा मोजो आपने अकाउंट खोल लिया, कितने को मेरा एड्रेस दिख रहा है मैसेज में, क्लिक कीजिए, आपको मेरा एड्रेस भी दिखेगा जहां मैं रहता हूँ, अगर वेबसाइट दिखना चाहे वेबसाइट भी दिख सकते हो जाके। तो मींस आपका व्हाट्सएप इज एक्टिंग लाइक ए मिनी लैंडिंग पेज, जहां लोग आपकी वेबसाइट देख सकते हैं, आपका एड्रेस देख सकते हैं, आपका ओपनिंग टाइम देख सकते हैं, आपका क्लोजिंग टाइम देख सकते हैं, इवन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, पूरा कैटलॉग भेज सकते हैं जो आप पूरे खरीद सकें, कैटलॉग भेज सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, शॉर्टलिंग, इसके साथ साथ जो नॉर्मल फीचर है, इवन बॉट्स और एपीआई लगा के पूरा आप मिनी सीआरएम बना सकते हैं। ये है व्हाट्सएप की खूबी। और टेलीग्राम में तो आप 200,000 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, 3 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो आपको इस वीडियो मास्टरी के साथ आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, ये मस्ट है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि बिना बेचने की कला से आप कुछ कमा नहीं पाओगे, सोना आपके पास रखा रहेगा पर बेच नहीं पाओगे, ये बहुत जरूरी है। सेलिंग स्किल्स एंड वेली सेलिंग स्किल्स में द टेक्निकल सेलिंग स्किल्स हाउ टू सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना। आज के टाइम में मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज एवरीथिंग, इज 90% इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, 10% द प्रोडक्ट, ध्यान रखना। नई कंपनी के लिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग जो मस्ट होती है यही प्रोडक्ट को उठाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके बाद आती है। प्लीज अगर आप कितने एग्री करते हैं टाइप इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो मास्टरी में एनरोल कीजिए, आपका स्वागत है, दिल खोल के हम आपको सिखाएंगे और बहुत चीज आपको बताएंगे। लोकमान सर प्लीज अब आप बोलिए सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू सत्या, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखा के इसमें पे कर दिया है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस नंबर पे जो नंबर दिया है इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दें पेमेंट का, और ये 20 सीट्स है तो 20 सीट्स जल्दी फिल हो जाएंगी। जिन लोगों को ये कंसेशनल डिस्काउंटेड फी में इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं, जिनको अगर थोड़ा सा भी शंका है वो प्लीज आप ज्वाइन करें, आपका कोई रिस्क नहीं है, यू कैन। ये 949 है, वो मैंने गलती से पहले वो 849 लिख दिया था सर, वो एक्चुअली 949 है। यस, तो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका कोई रिस्क नहीं है। आप ये कोर्स बहुत गजब का कोर्स है, रियली आई लाइक दैट, मैंने किया, मैं कर पाया 949 प्लस 100, उसमें मुश्किल से 20-30 रुपीज टैक्स होगा सर, वो जो 3% टैक्स लेता है, तो आई थिंक वो 35 रुपीज अप्रोक्स टैक्स होगा। इंस्टा मोजो का जो भी टैक्स है 3% वो एडिशनल होगा, अदरवाइज 949 प्लस 30 ऐसा 970 के आसपास होगा वो आपको जी। तो दोस्तों आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, जिनको कल पे करना है वो प्लीज आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे रिलीज कर दें, आप भेज दें उधर, ताकि हम आपकी वो सीट बुक कर पाए। अगर कोई ये चाहते हैं कि वो आज नहीं कर पा रहे और सुबह करें, तो हम उनकी सीट रख लेंगे कल तक के लिए, आप प्लीज हमें। मनु माटा जी आपकी पेमेंट हो गई है, वो कन्फर्मेशन पीछे टीम ने दे दिया है। और मोनिका जी ने कहा वो ग्रेट इंस्ट्रक्टर हैं, हैविंग अटेंडेड ए फ्यू ऑफ देयर कोर्सेज आई कैन वाउच फॉर इट। मैम आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं।
आप हैंड रेज करें और ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है पता नहीं इतने कम पैसे ले रहे हैं ये क्या सिखाएंगे। तो, हाँ बिल्कुल आपका जायज है। जब मैं भी सत्या के पास गया तो मुझे भी लगा था अच्छा ये मेरे को सिखाएंगे, और जब पता चला यस उन्होंने सिखा दिया। यस मैंने अनम्यूट किया है मोनिका जी आपको। गुड इवनिंग लुकमान सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सर? आई एम फाइन एंड द ग्रेट थिंग इज कि ये जो आपका कोर्स है ये बहुत ही, ये आज का वेबिनार एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार है फॉर द कोर्स, एंड मैं ऑलमोस्ट पूरा कोर्स कर चुकी हूँ और मैं तब भी देख रही हूँ बिकॉज आई फील कि तब भी कुछ है जो आप बताओगे विच आई कैन लर्न फ्रॉम। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से टू एवरीबडी इन द ऑडियंस कि आई हैव अटेंडेड मार्गदर्शन गुरुज कोर्स इन ऑनलाइन यू नो एजुकेशन, एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सब कुछ सीखूंगी क्योंकि वो बिल्कुल यू नो जो ग्राउंड से जुड़ी हुई जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन और बहुत प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन यू नो इंफॉर्मेशन जो देते हैं, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ वेरी यूनिक। एंड सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आप बिल्कुल मत सोचो, प्लीज गो अहेड। आप देख ही रहे हो कॉस्ट कितनी रीजनेबल है एंड दे आर वेरी पेशेंट एंड आई वुड से दैट यू हैव मच टू लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम आपके जो जेन्युइन फीडबैक है, रियली ऐसे फीडबैक ऐसी बातें हमारे कंधों पर और जिम्मेदारियां रख देती हैं। और दोस्तों हम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कॉरपोरेट की जॉब छोड़ के ना लाखों की नौकरी छोड़ के इस फील्ड में कूदा हूं। रियली मैं ये सोच के कूदा हूं कि जाने कितने लोगों की जिंदगियां इससे आगे जाएंगी, और आगे वाले 5 से 10 साल आई कैन वाउच मार्केटिंग वीडियो पर शिफ्ट होने वाली है क्योंकि वीडियो सबकॉन्शियस माइंड को ग्रेप करता है, पकड़ता है, उसको कैच करता है, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है, वो समझता है पिक्चर्स की लैंग्वेज, टेक्स्ट को नहीं समझता। तो वीडियो का स्कोप आप देखते होंगे यूट्यूब कितना अच्छी तरह से आगे जा रहा है, इंस्टा पर लोग, फेसबुक पर लोग वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर लॉजिकल साइकोलॉजिकल अगर आप कंटेंट वीडियो में भेजते हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं। तो मार्केटिंग का एक नायाब सा फंडा होने वाला है। जो लोग वीडियोस के थ्रू मार्केटिंग करना सीखना चाहते हैं, ये कला है, ये कला है। और अगर आप में थोड़ा सा भी जज्बा है उस दिशा में सीखने का, तो ये कला आपके लिए एक टूल बन सकती है आपकी अपनी चीजों को निखारने के लिए, आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके अपने लीड्स को जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है आपका, आपको सिर्फ 950 रुपए देने हैं, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको 20 दिन में, उसके बाद भी 2 महीने तक हैंड होल्ड में रह के हम आपको वो सिखाएंगे। यस ये इजियर है आप अगर टाइम पर असाइनमेंट करेंगे, वो काम रोज करेंगे तो इजियर है। हाँ अगर आपको ये बात सीख, मैं सीख गया हूं, मैं मैनेजमेंट का आदमी अगर वीडियो मेकिंग सीख गया तो दोस्तों आप सब लोग तो मैं समझता हूं आप मेरे से आगे ही होंगे। यस तो एक बार जिनको फिर से ये चीजें चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आपको लिंक देता हूं दोस्तों। और इससे पहले कि आप मेरे घड़ी की सुई टिक 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 कर रही है, अगले 4 मिनट में आज इस सेशन को फिर अब हम आज समराइज करेंगे। 11 बजते ही हम रुक्षत हो जाएंगे इस सेशन से। तो आप में से जितने लोगों का इंटरेस्ट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आप पूछिए, हमें स्वागत है कि अगर आप कुछ आप बात इसके बारे में करना चाहें तो यू कैन रेज योर हैंड। कोई भी आपका सवाल है वीडियो एडिटिंग को लेके, थोड़ा यूट्यूब के लेके, आप पूछ सकते हैं। हमारे पास स्टार्ट लास्ट के 10 मिनट है हमारे पास अप्रोक्स, हम आपके साथ बैठे हैं तो आप देख सकते हैं। किन लोगों को इस वीडियो का रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज, तो जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप चैट में यस लिखें। व्हाट्सएप चैट में प्लीज टाइप यस इन द व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज यस लिखें आप लोग जिनको इस सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज। नहीं व्हाट्सएप चैट में लिखें प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे के रखा है। यस प्लीज व्हाट्सएप चैट में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे के रखा है आपको प्लीज। आप व्हाट्सएप में लिखिए, व्हाट्सएप में आपको एक गूगल फॉर्म जाएगा उसको भरिए, और भरने के बाद आपको वहाँ लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप इसमें आराम से आपको इसके रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। किसी ने पीछा पूछा है कौन से सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देंगे,
आपको दो बहुत बड़े दो रादर तीन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग इसमें देंगे हम। एक वीडियो स्क्राइब देंगे एनिमेशन वीडियो के लिए, दूसरा कैम्टेशिया फिल्मोरा, और इसमें आपका ये चीजें कवर हो जाएंगी। टाइमिंग होगी 7 से 8 अरुण जी, 7 बजे से 8 बजे तक। और जो व्हाट्सएप का कोर्स कर रहे हैं उनके ऑल्टरनेट डेज पे ये होगा, जिस दिन व्हाट्सएप का कोर्स होगा उस दिन ये नहीं होगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन व्हाट्सएप नहीं होगा। 7 से 8 के स्लॉट में ये कोर्स चलेगा ऑल्टरनेट डेज पे, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, जुड़िए आप और बढ़े आगे। यस दीपक त्रिपाठी जी, आपको अगर अभी बात करनी है तो यू कैन रेज योर हैंड। Vivo 1726 कुछ कहना चाहते हैं, मैंने उनको अनम्यूट किया है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई रियली लाइक द प्रोग्राम एंड सर मुझे आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट माय मोबाइल आल्सो सो वेल एंड माय कंप्यूटर आल्सो, सो दैट एंड आई एम इनटू टीचिंग नाउ, सो आई हैव टू लर्न दिस, सो मे बी दैट इज द रीजन व्हिच हैव कम ऑन दिस प्रोग्राम। So will I be able to grasp it and they do it? हाँ मैम, आपने दो बातें कही हैं, मुझे दोनों बातों में थोड़ा contradiction लग रहा है। अगर आप टीचर हैं, आप मोबाइल और कंप्यूटर जो है दोनों पर आपने कहा आम बैड, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ आप यूज नहीं करते, वो बात अलग है। Yes, I'm not using it so much. Yes, different task. But हमारा ये जो वीडियो एडिटिंग जो है एक बच्चा प्रोग्राम है, एक बड़े प्रोग्राम का जो प्रोग्राम होता है ऑनलाइन टीचिंग, टीचर्स को इनेबल करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। तो वो इसके सिमिलर, इससे थोड़ा सा आगे है कि आप कैसे अपने वीडियो कोर्सेज बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रखें और आप अपनी रॉयल्टी कमाने के दिशा में काम करें। अगर आप वो चाहते हो तो उस कोर्स को आप सेकेंडरी स्टेज पर कर सकते हो। पहले ये जो बेसिक कोर्स है, बेबी कोर्स है, क्योंकि एज यू मेंशन दैट यू आर नॉट सो मच गुड एंड कंफर्टेबल विद द मोबाइल एंड लैपटॉप, बट आप इसको ज्वाइन करके ट्राई करके देख लो। अगर आप इसमें, हम आपको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग्स दे देंगे उसकी, एंड इन केस यू कुड डू इट तो आप अगले कोर्स के लिए बढ़ जाना, और अदरवाइज आपके 2-3 वीडियो तो इसमें बनी जाएंगे कम से कम। ओके ओके, बिकॉज़ आई डोंट माइंड लर्निंग इट, आई वांट टू लर्न इन डेप्थ, सो दैट इज द मेन थिंग। हाँ आप कर सकते हैं, 1 घंटे आपको स्पेयर करना पड़ेगा, और थोड़ी देर के लिए वो कमरा बंद करके शर्म हटानी पड़ती है अपने आगे से, बोला मैं कैसे कैसे बोलूं, तो वो आपको एक लर्नर की तरह शुरू से बोलना पड़ता है। मैंने भी किया, मैं अपने बच्चों के सामने ही बोलना शुरू कर देता था। मैंने घर में स्टूडियो लगा दिया, पहले तो हंसते थे बच्चे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बोला चलो ये तो ऐसे ही है ये तो। फिर जब वीडियो आया ना, लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने अच्छा ये मेरे पापा है, तो उनको लगा अच्छा ये कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो आप शुरू में बस आपको थोड़ा सा लगेगा अटपटा सा, पर आपने वो मैनेज कर लिया तो आप कर पाओगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दीपक त्रिपाठी जी हैं, दीपक त्रिपाठी जी अगर आप अपने को अनम्यूट करें तो हम और अगर आपको कॉल करनी है तो दीपक त्रिपाठी जी आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं कल सुबह 10 से 2 के बीच में। और सत्या से बात करनी है तो मैं सत्या का नंबर ये दे रहा हूँ, आप इनको बात कर सकते हैं। 10 से 2 के बीच में हमारा बात करने का टाइम है, उसके बाद हम आपकी सेवा में सदा तत्पर रूप से लगे रहते हैं, बीच में हमें कॉल लेना बड़ा मुश्किल होता है। दिस मैसेज इज शेयर्ड विद बोथ ऑफ यू, विल कनेक्ट विद सत्या जी एंड लोकमा जी टुमारो ओवर कॉल, आई एम कंफ्यूज्ड ऑन मेनी मैटर्स, लॉगिंग आउट नाउ। कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है, आप कल मिले, कल बात करें, हम आपके कंफ्यूजन्स दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, अनम्यूट नहीं हो रहा। दीपक जी, दीपक त्रिपाठी जी, जस्ट ए मिनट, आपको अनम्यूट अभी होगा सर। यस अभी अनम्यूट होगा। हेलो जी दीपक सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपका 2-3 फ्री वेबिनार मैंने किया है, कितने अच्छा लगा सर। एक्चुअली मेरा एक पर्सनल, मैं इसीलिए चाह रहा था कल आपसे बात करूं। आप करें। मैं एक LIC एजेंट हूं सर, साथ में एक रेस्टोरेंट मैनेजर भी हूं, तो अब ये सब चीजें मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैं बात। उसके लिए पहले 10 मिनट आप पूरी बातें बताना फोन पे, तब डिसाइड कर पाएंगे, ज्यादा बेटर होगा सर। कल मैं कॉल करूँ सर। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू जी, थैंक यू। सत्या के जी आप प्लीज अपने को हैंड रेज कर दें, वैसे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप हैंड रेज नहीं भी करेंगे तो भी। यस सर जी। हेलो
Yes, sir. सर, वो पेमेंट लिंक जो आपने भेजी है इंस्टा मोजो की, वो सब उन्होंने डिटेल मांग लिया, इंस्टा मोजो क्रिएट अकाउंट, ये वो सब कुछ करते गया है। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो अकाउंट क्रिएट नहीं मांगेगा सर? वो मांग रहा था, मालूम नहीं अभी मैंने आपको बैंक अकाउंट में डाल देना सर आप, फिर अगर नहीं मांगता नहीं वैसे पेमेंट का वो एक बार भेज दीजिए। और सर दूसरा चीज है ना, शाम को 7 बजे 28 तारीख को चालू हो रहा है क्या ये? जी 28 को चालू होगा। ठीक है सर, करने तो सर क्या है, करने की इच्छा होती है, लेकिन इतने सारे जो आप बोल रहे हो ना सर, आपके ना बहुत सारे ग्रुप्स हो गए सर, मैं आपको बिलीव नहीं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, और इतनी सारी लिंक आती रहती है ना, ये करूं वो करूं कुछ पता नहीं, और उसके कितने सारे लिंक हो गए सर। मेरा ना मैं 11th में जब मैथ्स पढ़ता था तो पीछे बैकलॉग बहुत हो जाता था, बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कौन सा चैप्टर पहले करूं। तो मेरे एक सर थे, वो कहते थे ए जहां से गाड़ी चल रही है जो डिब्बा हाथ आ जाए उसमें चढ़ जा रहे, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। तो आपको तो एक डिब्बे में चढ़ जाना है सर, बाकी छोड़ देना, बाकी हमारे ऊपर है। एक जहां आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता हो वो आप कोर्स कर लो, जो और हम यही कहीं जाने वाले नहीं है सर। मैं एक बार सुबह बात कर लेता हूँ आइदर दोनों से या फिर किसी एक से। हाँ, हम वैसे दोनों में से किसी से बात कर सकते हैं, सुबह ही देखता हूँ सर। कोई इशू नहीं, और भी आइडिया है? कोई इशू नहीं सर। हाँ बिल्कुल, आप जो है अपना आइडिया शेयर करें और हमें बड़ी खुशी होगी बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ डॉक्टर रुखसाना हसन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। और हाँ गुड इवनिंग, आई पूरा टाइम मैं आपका ये देख रही थी, ये कंप्लीट वेबिनार, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक यूनिक सा रिसर्च कर रही हूँ, पूरे इंडिया में शायद 10 लोग हैं हम लोग कर रहे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड कहाँ शुरू होता है। तो ऐसे मेरे पास अभी 49 वुड बी मदर्स हैं, जो 1 मंथ की प्रेगनेंसी, 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी, 8 महीने की, ऐसे जो अभी कल या परसों ऐसे डिलीवर होने का। तो मेरा जो मानना है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, बट वो मैंने नहीं स्टार्ट किया था, कोई दूसरे और मेरा एक इंटरव्यू लेकर उन्होंने स्टार्ट किया। बट मुझे इस चीज की आई हैव नो नॉलेज, इसीलिए मुझे ये सब रोकना पड़ा। बट अभी मैंने क्या किया, जस्ट छोटे छोटे ग्रुप्स, 50 आदमी का, 60 आदमी का, ऐसे ग्रुप्स बनाकर मैं जो मैसेजेस दे रही हूँ वो दे रही हूँ। बट जब आपका जो वो सारा मैंने वेबिनार, ये आज का जो वेबिनार मैंने सुना, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एटलीस्ट अगर मैं पैसे कमा रही हूँ या नहीं, दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट। मेरे पिताजी हर हमेशा एक ही बोलते थे, तुम कामयाब बनो, पैसा तुम्हारा तुम्हें फॉलो करता है। तो मेरा कामयाबी का ये मकसद, ये मेरा कामयाबी का एक ये है विषय, कैसे बोले तो, इफ पीपल आर बेनिफिटेड यू आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है। हाँ। और ये जहां से भी सीखी है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगर लोगों को आप यूजफुल हो, यूटिलिटी दे रहे हो, तो आप सक्सेस हो, नहीं तो आप सोना बेचो, कोई नहीं पूछेगा। एग्जैक्टली, ये मेरे पापा का क्या कहना था। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पर्सनैलिटी को। तो इसीलिए आज है ना, मुझे शायद ये लॉकडाउन का एक भगवान ने एक गिफ्ट भेजा है या क्या, नहीं मालूम। मतलब मैं इतनी सारी बिजी रहती थी, यूरोप जाओ, यूके जाओ, यूएस जाओ, यहाँ ट्रेवल करो, मेरा 75% ऑफ टाइम सिर्फ ट्रैवल में चला जाता है। So, this is a very nice platform, at least for me, to reach people. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, जो भी मैं कर सकती हूँ, अगर 10% भी किसी को मिल जाता है ना, आज के जो बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, एज अ स्पेशल एजुकेटर, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा ड्रग एडिक्ट है, स्मोक कर रहा है, वीड्स ले रहा है, एल्कोहल पिए कर रहा है, गैम्बलर है, सेक्स एडिक्ट है, मोबाइल एडिक्ट है, इतने सारे केसेस देख देख कर है ना। द ओनली रिसर्च व्हाट आई डिड वाज, ये जब बच्चा पेट में रहता है, द चाइल्ड इज नॉट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, द चाइल्ड हैज द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 9 मंथ्स इन द वूम। यस, वो हिस्ट्री बहुत मायने रखती है।
ये हिस्ट्री बहुत मायने रखती है। जब भी हम लोग कोई साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाए, अच्छा क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रही, चलो नींद की गोली दे दो, अच्छा क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रही, चलो भूख की गोली, नहीं गोली की जरूरत नहीं है, उसका रूट फाइंड आउट करो। तो जब जाकर हम लोग को मालूम होता है कि ये बच्चे का परिहार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बच्चे को प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम है, इस बच्चे जब पेट में था उसकी माँ का वो प्रॉब्लम था, उसका बाप का वो प्रॉब्लम था। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। रादर हम ये कोशिश करेंगे, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्भ संस्कार पर काम करते हैं, और बहुत ही बढ़िया, कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे आपको उनसे कनेक्ट करें, हम दोनों भी करियर गाइडेंस करते हैं बच्चों की, और आपकी पूरी बात से इत्तफाक रखते हैं कि ये चीज वहीं से शुरू होती है। मैम हमें खुशी होगी। एक सवाल पूछा है किसी ने कि क्या, जस्ट मिनट, कहाँ गया सवाल वो? थैंक यू मैम, थैंक यू रुक्साना मैम। ये सवाल है कि आप क्या हमें वीडियोस के क्रैक पे प्रोवाइड करेंगे? नहीं सर, हम वीडियो के क्रैक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम बता देंगे आपको कैसे यूज करना है, हम क्रैक्स प्रोवाइड नहीं कराते, पर तरीके बता देंगे कहाँ से आपको ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं आपको, अलग गाइड कर देंगे, ऑनलाइन क्रैक्स अवेलेबल है, खुद आप ढूंढ सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन लेंगे, प्लीज आप टाइप कर दें या हैंड रेज कर दें प्लीज। ओके जस्ट मिनट, लगता है आप कोई क्वेश्चन नहीं सर जनता के। चलिए तो जनता इस समय आज रुखसत की तरफ इशारा करती है, तो दोस्तों हम भी अब रुखसत होंगे, और शायद कल नहीं तो परसों जरूर फिर एक नई मुहिम के साथ हम रोज नया आपके साथ लाएंगे। हम पूरी कोशिश में कि ये जो लॉकडाउन है इसमें आपकी जिंदगियों में कुछ स्किल्स ऐड हो जाएं, ताकि आप हमारे इस संदेश को आगे ले जाएं, और जो मुहिम, जो मिशन हमने शुरू किया है, वो मिशन देश की कामयाबी में सार्थक बने। वेबिनार्स आ रहे हैं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगे, तो फर्स्ट वन इज स्पीड रीडिंग जो थर्सडे को होगा, 1:15 से लेके लगभग 3:30 बजे तक 2 घंटे का, जो बच्चों की अपनी स्पीड रीडिंग बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी माइंड मैपिंग का होगा वो। उसके बाद है हमारा सेशन एक पेरेंटिंग का है, दैट विल बिगिन एट 11 AM इन द ऑन संडे 11 to 1:30, 2.5 घंटे का पेरेंटिंग सेशन होगा, पेरेंटिंग के एक्सपर्ट हमारे पास आएंगे। इसके साथ साथ कल हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग पे लगभग 2 घंटे का सेशन होगा, तो प्लीज कल का सेशन, थर्सडे का सेशन, संडे का सेशन मिस ना करें, और फ्राइडे को हमारे पास ऐसे स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो केवल जूस पिला के आपका वजन कम करा देंगे। तो हम लोग कुछ 3 प्रोग्राम सप्ताह में करते हैं, दैट आर विदाउट सेलिंग, ओनली फॉर द चैरिटी, मंडे फ्राइडे एंड संडे, जहाँ अलग अलग डॉक्टर्स को या स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जो हेल्थ पे, अवेयरनेस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 घंटे आपको सलाह देते जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में बहुत लोग हमसे इसीलिए ग्रुपों में जुड़े हुए हैं कि वहाँ कुछ न कुछ फ्री वेबिनार्स आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एड करते हैं। इन तीनों सेमिनार्स की डिटेल्स अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें, आई वांट डिटेल, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी, ताकि ये सेशन मिस ना करें। ये 2 सेशन, माइंड मैपिंग का और पेरेंटिंग का और जूस थेरेपी का, दीज आर टोटली विदाउट सेल, इसमें हम कुछ बेचते ही नहीं है। तो मेक श्योर आप इस सेशन में आए, ताकि इसकी वैल्यू उठाएं और एक्सपर्ट से आप सीख पाएं। इसी के साथ हम दोनों भाई आप दोनों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट तरीके साथ, ताकि आपकी जीवन में कुछ ना कुछ हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे, वेदर इज इट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे कोई गलती हुई हो तो हम दोनों भाई आपसे माफी मांगते हैं दोस्तों, एक बार फिर शुभ रात्रि। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज व्हाट्सएप में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ऐसा आज का सेशन कैसा लगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके फीडबैक देके। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज आप टाइप करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आधे घंटे तक ये व्हाट्सएप ग्रुप खुला रहेगा, उसके बाद लॉक लगा देंगे, ताकि कोई वैसे मैसेज ना कर पाए जो हम चाहते, मतलब कुछ लोग मैसेज डाल देते हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कतें होती हैं। तो मेक श्योर प्लीज आप अपना कमेंट लिखें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको सेशन कैसा लगा। बाकी कोई डिटेल पूछनी है, खास नंबर पूछना है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा माइक है, ठीक है, उसके लिंक हम आपको डाल देंगे। तो मेक श्योर आप एक कोर्स ज्वाइन करें ना करें, कोई भी सवाल है विद इन 30 मिनट प्लीज टाइप कर दें, ताकि टीम उसका कल आपको जवाब दे देगी। इसी के साथ
मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन, इतना समय आपने दिया और इतने समय तक आपने देखा, थैंक्स अ लॉट। और अपना फीडबैक पक्का लिखे आपको सचिन कैसा लगा और कैसे हमको और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन, इतनी देर तक आपने सुना और इतनी शिद्दत के साथ, रात के 11:12 हो रहे हैं तो सबके खाने की थाली वेट कर रही होगी, तो प्लीज़ आप जाइए खाना खाइए और हैव ए ग्रेट नाइट। आपका आपको शुभ रात्रि हमारी तरफ से।